येषां स एष दययेद अनन्तो सर्वात्मन आश्रित पदम यदि निर्वलिक ते दुस्तरां मतितरन्ति च देव मायां न ममाहधि सशिगाल भक्षे। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, जे संबंध ज्ञान नहीं होने से अभिद्य अर्थात वास्तव भक्ति का शुरुआत नहीं होता। संबंध ज्ञान जब तक ना हो जाए, संबंध ज्ञान परिपुष्टि होने का बाद ही अभिद्य, अभिद्य मतलब वास्तव भजन का शुरुआत होता है। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद ये श्लोक का व्याख्या में कहते हैं, जो जिसका ऊपर बलराम अनंत देव का कृपा होता है, जे शाम स ईशो जेसाम स एष दयाद अनंत, जिसका ऊपर अनंत देव का कृपा हो जाता है, वही जेसाम स एष दयाद अनंत सर्वात्मना आश्रित पदम यदि निर्वलिकम, वो अगर सर्वात्मना आश्रित पद निष्कपट निश्चल होकर शरणागत हो जाए, निर्वलीकम, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। निष्कपट होके निश्चल होके शरणागत हो जाए तो उसको क्या होता है, बोल जेषा जेषाम से एष दयाद अनंत सर्वात्मनाश्रित पदम यदि निर्मलिकम, ते दुस्तराम अतितरंत च देव मायम। वो ये दुरंत जो भगवत माया है, जिसका बारे में ठाकुर जी गीता में बता दिया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ति ते, बाकी कोई ये माया पार कर नहीं सकते, संभव नहीं। पहला बात तो ये है, जो नित्यानंद प्रभु बलराम पहले कृपा करते हैं उसके द्वारा क्या होता है, साधु संग होता है, ये प्राइमरी साधु संग। इसका पीछे भी बलराम का कारण है, बलराम का कृपा। प्राथमिक जो साधु संग, इसका पीछे भी बलराम जी का कृपा है, तभी बलराम जी गुरु रूप पकड़ कर सामने नहीं आए अभी तक। इसलिए तुलसीदास जी भी बताए, बिनु सत्संग तराई न कोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम मतलब बलराम भी हो सकता, लेकिन तुलसीदास जी तो राम मतलब राम जी को ही समझे। जो भी है बलराम से ही आया सब, कोई बात नहीं, ऐसा कोई फेर नहीं उसमें, कोई अर्थ लगा लूं। इसमें बात है, जो राम कृपा बिनु सुमन, सत्संग जो है वो भी ठाकुर जी का बलराम जी का कृपा के बिना संभव होता नहीं। ये हुआ प्राइमरी साधु संग। उसके बाद साधु संग करते करते तत्व जिज्ञासा हृदय में आए, उसके बाद गुरु ग्रहण, उसके बारे में भी बलराम बलदाव जी महाराज सहायता का, प्राइमरी साधु संग, उसके बाद गुरु मिला देना, गुरु मिलाने का बाद उसके बाद अगर आत्मसमर्पण जो है निर्वलीकम जो बोला अभी, सर्वात्मना आश्रित पदम। सर्वात्मना आश्रित पदम का अर्थ क्या है, सर्वात्मना आश्रित पदम का अर्थ ये है, सारे चीजों को छोड़कर, मैंने हमारा किसी भी चीजों पर कोई भरोसा नहीं है, ऐसा अंतरात्मा से सर्वात्मना आश्रित पदम यदि निर्वलीकम, और निर्वलीकम अलिक और निर्वलिक दो शब्द है,
निर्वलिक मतलब उसमें कोई बनावटी नहीं है, निश्चल ये है निर्वलिक। अर्वलिक अलिक मतलब उसमें कपट होता है। ऐसा होकर जब कोई जीवात्मा सदगुरु चरण में शरणागत हो, अर्थात बलदाव जी का चरण में, सदगुरु चरण में शरणागत होने मतलब गुरु चरण में अनंत देव का चरण में, तो ऐसा अवस्था में तो बलदाव जी महाराज क्या करते हैं, जय श्याम स ऐश दय एद अनंत, जिसका ऊपर कृपा कर दिया पूरा पूरी, तो क्या करे वो जय श्याम स ऐश दय एद अनंत सर्वात्मना श्रित पदम जो निर्वलिकम ते दुस्तरा मतितरण चित देव माया, देव माया वो दुस्तरा इसको पार करके चले जाए। न ममा होमिति स शिगाल भक्षे, आमी अमार, ये हमारा है ये तुम्हारा है, ये जो विचार है ऐसा विचार नहीं आएगा। ये जो विचार है हमारा, मैं और मेरा, ऐसा विचार हट जाता है। और स शिगाल भक्षे, कुत्ता और श्रृगाल गिदर जो शरीर को खा लेता है, ऐसा शरीर का ऊपर आत्म अभिमान मैं मेरा ऐसा नहीं रहता, पूरा क्लियर हो जाता, सफा हो जाता। ये शरीर भक्तिविनोद ठाकुर सुंदर विहंग पतंग विहार करीबे इत्यादि कीर्तन किया है, मर जाने का साथ साथ कीड़े मकोड़े खा ले बस, ऐसा शरीर इसका ऊपर कोई भरोसा है नहीं। तो बलदाव जी का कृपा का ऊपर सब कुछ, भजन का जितना सारे शुरू से लेकर शेष तक बलदाव जी महाराज अर्थात गुरु वैष्णव का कृपा के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। बलदाव जी महाराज नंत नित्यानंद प्रभु का सा संबंध हो जाए तो हृदय में नित्यानंद प्रभु अनंत देव अधिष्ठान हो जाए, और जब हृदय में अनंत देव अधिष्ठान हो जाए तो ये अप्राकृत अनंत तत्व जो है हृदय में स्थान मिलेगा। अर्थात इसका अर्थ ये है, जब तक आप अनंत भगवान का साथ संबंध नहीं जोड़ोगे तब तक ठाकुर जी हृदय में बैठेगा नहीं। अनंत सिंह अनंत सिंहासन भी अनंत है, जितना सारे सेवा का उपकरण है सारे अनंत देव, अनंत देव है ना, सिंहासन से लेकर आराम आवास उपाधान जेनुई खरम छत्र जितना सारे है सब बलदाव जी महाराज। तो ठाकुर जी को अगर हृदय में बैठाना चाहो, जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बुलाए, हृदयस्थ कुरु केशवम, हे राजन हृदयस्थ कुरु केशव, केशव को हृदय में बैठा लो, ये भी कोई मामूली बात नहीं है। जब तक अनंत देव का आसन आप नहीं बिछा पाओगे, बिछा दोगे अनंत देव का आसन तो ठाकुर जी आके बैठ जाए बस, उसमें और कोई। सुबह जो चर्चा किया था इसमें ध्रुव महाराज जी के बारे में उठाया था, पूरा पारण का चक्कर में पूरा उत्तर दे नहीं पाए। साधु का महिमा बड़ा आश्चर्य, साधु कैसा है इसका बारे में गुरुवर्गों ने बहुत सारे चीज बताया, उदाहरण भी दिया, और शास्त्रों में बहुत लिखा चुका है, लेकिन पढ़े कौन और अनुभव करे कौन, और पढ़े भी अनुभव करे कैसे। जैसे चंदन को जितना मलय, जो चंदन को जितना घिसोगे उतना ही वो क्या होगा, सुगंध विस्तार करे, उसको घिसोगे कष्ट दोगे ना, घिसो मतलब कष्ट दोगे, घिसोगे का मतलब कष्ट दोगे। चंदन चारु चंदन जो वो चंदन को जितना घिसोगे उतना कष्ट दोगे, वो उतना ही सुगंध को विस्तार करे। सोने का
जो प्योरिटी है, शुद्धता है, जितना मांगोगे उतना ही आंख में जलाना पड़ेगा। जितना ज्यादा आंख में जलाओगे वो सोने का जो रूप है, सोने का जो गुण है वो और बढ़ते ही आएगा। ऐसा ही साधु का गुण है, जितना अत्याचार करे, जितना अपमान करे, जितना उपेक्षा करे, वो तो कुछ सोचता ही नहीं, वो क्या करे। हम तो उपेक्षा करने का ही आदमी है, उपेक्षा करने वाला, कोई चिंता नहीं। और जितना अत्याचार करे और उसका शोभा, उसका सौंदर्य, उसका गुणावली चारों ओर फैल जाता। माधवेंद्र परिवार जी का देखो, कुछ नहीं किया, कुछ मांगा भी नहीं, यहां तक कि सुबह होते ही लोग को जानकारी हो जाएगा जी ठाकुर जी चुरा के मेरे को खीर दिया है। ठाकुर जी खीर भोग लगा था, एक कुंडा कपड़ का नीचे छुपा दिया, ठाकुर जी चोर बन गया। और रात को पुजारी को बोल गए, ओ खुलो दरवाजा, एक खीर में चुरा के रखा है और मार्केट में हाट में है, गांव का हाट में, उधर जाके देख के आओ। और वो पुजारी चिल्लाते चिल्ला, कौन किसका नाम माधवपुरी है, वो तुम्हारे लिए गोपीनाथ खीर चोरी किया, ले लो खा लो। तो क्या असंभव है, सब संभव है। और सुबह में मेरा नाम फैल जाएगा, इसी सोच में था। और सुबह होते ही भाग गया उधर से, क्योंकि लोग तो मेरा पूजन करेगा, लोग आके मेरा पूजन करना शुरू कर देंगे, बाबा का लिए ठाकुर जी खीर चोरी किया, इतना बड़ा बाबा है, उसका आरती उतार, उसका आरती उतारो, पूजा करो, को भोजन भोजन दे दो, काम पर फायदा मिले, माला चढ़ाओ, इससे भाग गया। और एक उदाहरण है सुंदर, जिस उदाहरण के ऊपर उदाहरण नहीं होता। अगर साधु बनना चाहो तो ये उदाहरण को हर वक्त याद रखना पड़ेगा। वो कैसा है, भले हमारा जो जवान है, ये जो जीव है जवान, और जवान का चारों ओर जो है दांत है ना, दांत है चारों, ये बड़ा डेंजरस है। कुछ भी थोड़ा बहुत असावधान हो जाओ तो खाते खाते काट काट देगा जीव को, खून निकल जाएगा। जरा सा भी आपका असावधान हो गया आप तो जो जीवा है, जीवा को दांत ने काट देगा और खून निकाल देगा। वो बोलेगा नहीं गलती से आ गया कि महाराज क्षमा करो, क्षमा फमा नहीं है, पूरा काट के खून निकालेगा। निकाला ना, कितना आदमी का हुआ है, बहुत सारे आदमी सबका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो ऐसा जो है साधु का चरित्र ऐसा होना चाहिए। कैसा, भले जैसे जवान जो है चारों शत्रु से घिरा हुआ है, चार शत्रु है ना दांत, चारों ओर शत्रु, जरा सा भी गलती करो तो काट के उसको खत्म कर दे। लेकिन अगर दांत का कोई मसूर का कोई प्रॉब्लम हुआ, समस्या हुआ, दांत का कोई कष्ट हुआ, लेकिन वो जीवा जो है घूम घूम के उसका ऊपर चाटते रहता है, मानो कि ऐसा लगता है भाई कैसा हो, अभी ठीक है। जवान घूम घूम के वो जो कोई घाव हो गया या तो कोई जख्म हो गया, कुछ हो गया, लेकिन वो जवान जो है घूम घूम के उसको चाटते रहता है, भाई कैसे हो। तो ऐसा साधु है, जितना भी अत्याचार करो, जितना भी अपमान करो, कुछ भी करो, शत्रुता करो, वो किसी को दुश्मन समझता है नहीं। इसके कारण क्या है बोलो, पहले हम बता दिया, शुरुआत में हम बता दिया वो कैसा है, वो अनंत देव का साथ संबंध जोड़ लिया। जो अनंत देव का साथ संबंध जोड़ लिया वो किसके किसको पढ़ाई समझेगा, सब तो अपना है, ये जितना सारे बैठा सब हमारा है, तो कौन दुश्मन है कौन अपना, कोई तो है नहीं भेद। इसीलिए अनंत देव अगर कृपा करे ये सब भाव आता है। ध्रुव महाराज जी का सिद्धि के बारे में थोड़ा डाउट होता था, बहुत सारे चीज जो जिसका बारे में सुबह में संदेह हुआ था उसका थोड़ा पहले समाधान कर दे। एक तो ये ध्रुव महाराज जी का सिद्धि कैसे भाई, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया जरा सा भी कोई अगर कामना वासना रह गया तो आपका सिद्धि नहीं मिलेगा, ऐसे शास्त्रों में बताया गया, अकामो सर्वकामो वा मोक्ष, ये तो बता दिया, ये तो ठीक है। तीव्र भजन भक्ति योग के द्वारा भगवान का ही भजन करो, अगर तुम्हारा कामना वासना है या सर्व कामना से मुक्त हो
या तो मोक्षकामी हो, अगर उदारधी वास्तव इंटेलिजेंट है वो कृष्ण का ही भजन करेगा अर्थात विष्णु तत्व का भजन करे, दूसरा कोई देव दूत का भजन करने का कोशिश ना करे, संभव नहीं। अभी ध्रुव महाराज जो है, ध्रुव महाराज जो क्षत्रिय है, क्षत्रियो का जो गुणावली है गीता में भी है भागवत में भी है, युद्धे युद्ध में भागेगा नहीं, शौर्य वीर्य तेज जो कुछ है, और समाज को संसार को रक्षा करे माने राजा प्रजा का जो काम है, प्रजा को रक्षा करे राजा, क्षत्रियो का स्वाभाविक ये सब प्रॉपर्टी है। क्षत्रियो के लिए विशेष कुछ गुणावली भी, विशेष कुछ क्रियाक्रम भी है, वो ओनली अप्रूव फॉर क्षत्रियो, क्षत्रियो छोड़ के किसी का उचित नहीं है, क्षत्रियो के लिए अनुमोदन है, विशेष कुछ चीज है, वो क्षत्रियो छोड़ के दूसरा आदमी ना करे। ब्राह्मण का कुछ विशेष गुणावली है, ब्राह्मण छोड़ के दूसरा कोई आदमी ना करे, और वर्णाश्रम धर्म का कई सारे विचार है, उसमें ब्राह्मण अगर आपत्कालीन विषय आ गया, आपत्ति खूब मुसीबत आए तो थोड़ी दिन के लिए अपना ब्राह्मण का जो अपना जो गुना जो जो प्रेस्क्रिप्शन है ब्राह्मण के लिए, थोड़े दिन के लिए आपत्कालीन विषय युद्ध लग गया कुछ हुआ उस समय थोड़ा ब्रेक कर सकते हो नियम, बाकी समय नियम नहीं, सब वर्णाश्रम धर्म में विचार आता है। अभी ध्रुव महाराज जी क्षत्रिय है, ठीक है क्षत्रिय है, लेकिन भजन करने के लिए गए, माताजी उपदेशक का काम किया, माताजी का उपदेश में भजन की, तो बत्मोपदेश गुरु कौन है, माताजी है, और जाके जो भजन शुरू किए, अभी तो गुरु नहीं भाई, गुरु ग्रहण ना होने से ठाकुर जी तो आएगा नहीं, आश्रय लोहिया भजे तारे कृष्ण नहीं तेजे आर सब मरे अकारण, आश्रय लेके भजन करना, ऐसा मनमानी भजन शुरू करता, भजन किया सर गुरु चाहिए ही, गुरु ना होने से गुरु क्या करता है, जड़ जगत का ये जो हमारा अवस्था है हमको लेके गुरु ठाकुर जी को लेके मिलन करा देता, जैसे साधु में शादी में घटक होता है ना, ब्याह का शादी का व्यवस्था करते लड़की लड़की वाले लड़का वाले को करा दिया शादी, वो करा देता है, ऐसा गुरु का काम है प्राकृत अप्राकृत दोनों और जो है ठाकुर जी का साथ इसका संबंध करा दे, ऐसा नियम है, ये है गुरु का काम। गुरु का काम असीम, जिसका ऋण कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। अभी नारद जी महाराज गुरु का काम किए, गुरु का काम कौन किए, नारद जी महाराज स्वयं जो ठाकुर जी का निजीजन है, भक्ति भक्ति का जो आचार्य है, भक्ति का आचार्य में नारद जी भक्ति आचार्य, और ये नारद जी उनको शिष्य बनाया, शिष्य बनाने का बाद गुरु का शक्ति शिष्यों के अंदर जाता है, कब कब जाता है, जो श्लोक हम बताए अभी शुरू में, अभी जो शुरुआत में जो श्लोक भरा, जय श्याम सयेश दयाद अनंत सर्वात्मना आश्रित पदम जो निर्वलिकम, गुरु चरण में गुरु जी परीक्षा लिया, ए ये जंगल है जा भाग इधर से, ये तो खा लेगा शेर है ये है, माना नहीं, मतलब इसका अंदर में ताकत है, डट के रहने का हिम्मत है, जो साधु बने वो डट के रहे, वो रहने का जो हिम्मत है वो मिलता है ऊपर से, नहीं तो अनस्टेबल हो जाता है, डरता है, कोई सिचुएशन आ जाए उसमें डरता है, बहुत मुश्किल। इस अवस्था गुरुजी कृपा की, आ गुरुजी का कृपा के मुताबिक जैसा भजन गुरुजी बताया, वो मंत्र दिया, मंत्रों का ध्यान कैसे चिंतन करे सही ढंग से, कर ध्रुव महाराज गुरुजी का आदेश जो पालन किया सही ढंग से पर, नहीं तो 6 महीने का अंदर गुरुजी ठाकुर जी मिलना संभव नहीं, जैसे गुरुजी बताया ऐसे ही एकदम परफेक्ट भजन किया, ये बात है। शास्त्रकारों ने यह बताया कि अगर भजन का शुरुआत में कोई कामना वासना हो है, हो सकता, ऐसे जो सब भक्त लोग आए हैं, बड़ा बड़ा महात्मा प्रभुपाद आदि सबका सामने चरण झुकाया आया ना आश्रय,
लेकिन विचार किया जाओ, विचार किया जाए तो 100 में 100 आदमी का पहले से ही सर्वात्मना आशीर्वाद नहीं हुआ, हुआ जितना आदमी हमारा गुरुचरण में आश्रय लिया सबका सबका पहले ही आश्रय लेने का टाइम पे हो गया सर्वात्मना आशीर्वाद निर्बली हुआ नहीं, हुआ नहीं था ये कहूं क्यों, बट जिस टाइम में सर्वात्मना आशीर्वाद हुई एट दैट मोमेंट आपका क्या होता है दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण सही काले कृष्ण तरे करे आत्मसमर्पण, लेकिन ये हुआ नहीं। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि हम भजन छोड़ दे, हम सर्वात्मना आशीर्वाद हो नहीं पाया तो निश्चल हो नहीं पाया तो हम छोड़ दे भजन, ऐसा नहीं। गुरुचरण का सेवा करते चलो, गुरुचरण का सेवा करते गुरु जी तो नित्य है, करते करते कभी तुम्हारा ये भाव सिद्ध हो जाए, कभी तुम्हारा ये भाव सिद्ध हो जाए उसी दिन तुम्हारा वास्तव भजन शुरू होगा, वास्तव भजन जिसको एक्चुअल भजन बोले जाते, जो हम शुरुआत में बोला संबंध ज्ञान पक्का होने से ओविद्यो अर्थात वास्तव भक्ति का शुरुआत हो जाता है, वास्तव भक्ति ओविद्यो मतलब वास्तव भक्ति जाजन शुरू हो जाता। तो ऐसा ही है जो गुरु जी का चरण में शरणागत हुआ ध्रुव महाराज जी, और उसके बाद मंत्र भी मिला भजन भी किया परफेक्ट, उसमें कोई मिलावट नहीं। एक दोस्त था जिस शुरुआत में उसका आकांक्षा था स्थान विलासम स्तपस स्थितम, स्थान विलास स्थान विलास करके भजन शुरू किए, लेकिन भजन करते करते जो अनर्थ है वो चला जाता कि नहीं, आदो उध्या तत् साधु संगो अथ भजन क्रिया तो अनर्थ ने भी ते लाइन में आया कि नहीं, ये जो हम जो विचार बताया उसमें आया कि नहीं, अनर्थ निवृत्ति हो गया, भजन तो करते रहा भजन तो छोड़ा नहीं, कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप दिन रात कोई विचार नहीं, शरीर का जो शरीर का जय तो पहले ही कर ली, ये सब अच्छा है, पहले आके शरीर का जय कर लिया, सांस मतलब सब कुछ जय कर लिया, इतना बच्चा छोटा सा मासूम भाई 5 साल का उम्र, लेकिन गुरु कृपा से सारे सक्सेसफुल हो गया ना। टीकाकारों ने बताया और एक कारण है जिस कारण ठाकुर जी बहुत जल्दी दर्शन देता है, वो क्या है भले किसका अंदर अगर ठाकुर जी को प्राप्ति करने के लिए ट्रिमेंडस एफिनिटी बहुत आकर्षण ठाकुर जी हमको मिले, उत्कंठा जिसको बोलता है आशा है समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, ये जो बताया सम ये उपसर्गो लगा दिया, सम उपसर्गो लगा दिया, सम का मतलब सम्यक उत्कंठा, माने उत्कंठा का कोई ब्रांचिंग नहीं, जो उत्कंठा मेरा ये वस्तु प्राप्ति के लिए ये वस्तु कोई ब्रांचिंग नहीं, 1 पॉइंटेड उत्कंठा जब 1 पॉइंटेड हो जाए तो डिवोशन भी तब एकमुखी हो जाए, जिसको अंग्रेजी में बोलता है अंग्रेजी में बोला जाता है 1 पॉइंटेड डिवोशन, जब उत्कंठा एकमुखी हो जाए, उत्कंठा मतलब अंतर का जो चित्तवृत्ति है सारे वही एक ही चीजों को प्राप्ति करने के लिए हर वक्त बेचैनी, वही चाहिए वही चाहिए, इसको समुत्कंठा बोले। टीकाकारों ने विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद आदि बताए कि इसमें संदेह का कोई बात नहीं, पहले हम बताए आदो श्रद्धा आदि उसका बात साधु संग किया भजन क्रिया सही ढंग से हुआ अनर्थ निवृत्ति हो गया, अनर्थ निवृत्ति होने का बात तो अनर्थ रहते हुए भजन नहीं होता, कोई अगर बोले अनर्थ है अंदर में काम क्रोध आदि सारे अनर्थ रहते हुए भजन होता है, होता नहीं ऐसा, हाँ इनडायरेक्ट भजन होता है, वो कैसे भजन का ही गुप्त रहस्य है, भले इनडायरेक्ट भजन कैसे होता है, इनडायरेक्ट भजन कैसे होता है, इनडायरेक्ट भजन कैसे होता है सुन लो, जैसे एक सिद्ध महात्मा है गुरु जी के सामने हम आया, अभी हमारा उस अवस्था हुआ नहीं,
गुरुजी सिद्ध महात्मा ठाकुर जी का निजी जन है। तो गुरुजी क्या की, गुरुजी बोले एक काम करो, जाओ बागान में जाके थोड़ा फूल तोड़ के लाओ। हमने क्या किया, गुरुजी बोला था, बागान में गया फूल तोड़ के लाया, फूल तोड़ के लाया, थोड़ा दिक्का हरे नाम तो गुरु दिया, लेकिन दिक्का हुआ कि नहीं ठाकुर जन, क्योंकि उस चर्चा हम दो दिन पहले किया। प्रभुपाद कहते कि साधारण वास्तविक दिखा और दिखावा दिखा एक नहीं, एक ये बात को सामने रखो, ये विचार। तो हो सके मेरा दिखा परफेक्ट हुआ तो नहीं हुआ, ये हो भी सकता हुआ नहीं परफेक्ट, तब का समय अभी भी हुआ कि नहीं हुआ ये हम नहीं जानता। अब उस समय में हम ठाकुर जी का गुरु जी का आदेश पालन करते हुए फूल लाया और बाजार जाके फल फल खरीद के लाया और गुरु जी के आगे तुलसी तोड़ के लाया, सब व्यवस्था करके ठाकुर गुरु जी को दे दिया। गुरु जी लाया आपका वस्तु, गुरु जी उसको बैठ के धो धा के सब सेवा में लगाए और तुलसी अर्पण किया, पुष्प अर्चन किया, माला अर्पण किया, सब कुछ किया। उसमें मेरा इनडायरेक्ट भजन बना कि नहीं, ना माई क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है, हमारा हम अगर ठाकुर जी के देने जाए, ठाकुर जी ये लो तुलसी लो, ये लो भोजन लो, ठाकुर जी तो लेगा नहीं, क्योंकि परम चिन्मय वस्तु का साथ अचेतन वस्तु व आधा चेतन वस्तु या 80% चेतन है, पूर्ण चेतन का साथ संबंधों जोड़ने जाओ तो आपको भी पूर्ण चेतन अवस्था में उतरना पड़े, समझा मेरा बात। पूर्ण चेतन वस्तु का साथ आप अगर संबंधों जोड़ना चाहो तो आपको भी पूर्ण चेतन अवस्था में उठना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। कई संत महात्मा हैं साक्षात ठाकुर जी के साथ बात करता है, वो कैसे बात करता है, जैसे हम वो बताया साक्षी गोपाल का, वृंदावन में गोपाल है, दो ब्राह्मण हैं, बातों बातों में बोला, ये बड़ा बड़ा ब्राह्मण एक बात बोला हम तेरे को ये देंगे, हम डिटेल्स में नहीं जाए, हमारा समय नहीं, बड़ा ब्राह्मण है छोटा ब्राह्मण है, बड़ा ब्राह्मण बोला ये चीज तेरे को हम देंगे, छोटा ब्राह्मण बोला ऐसा वादा मत करो, आपका वादा टूट जाएगा, अब दे नहीं पाओगे। तो बोले ठीक है, आप अगर वादा करते हो तो गोपाल तुम साक्षी है, गोपाल को साक्षी मान के आया। बाद में जो गद्दारी किया उसका जो फैमिली है, तो वो गोपाल को जाके बोला गोपाल तुमको साक्षी रखा था, जाना पड़ेगा। बिग्रोह बोलना शुरू कर दे, अरे बिग्रोह कैसे चले, हैं बिग्रोह कभी चलता है, तो ब्राह्मण बोले बिग्रोह चलता नहीं, बोलता है क्या, बोलता है तो चलता भी होगा, चलो मेरा साथ, तुमको साक्षी माना है। तो उसको पकड़ के लाया गोपाल जी, वो गोपाल जी अभी भी है, जाके दर्शन कर लो, वो गोपाल है साक्षी गोपाल। तो ऐसा मत सोचो, पूर्ण चेतन अवस्था में और चैतन्य, वो जो गोपाल आया था गोपाल ने स्वीकार भी किया था। आप अगर बोलोगे छोटा छोटा ब्राह्मण हो भद्दजीव है, नहीं, ये उधर पढ़ के देखना उधर क्या लिखा है, उधर जो गोपाल है, गोपाल बोला तुम्ही दुई जन्म और जन्म जन्म दास बोला खिचर, जो गोपाल आया था साक्षी गोपाल बोले तुम दो जो है वो मेरा नित्य बहुत पहले भी मेरा दास था, तो ये भद्दजीव नहीं है। तो इसका प्रमाण हो गया पूर्ण चेतन वस्तु का साथ हम संबंध जोड़ना चाहे हमको भी जड़ अवस्था से पूर्ण चेतनमय अवस्था में उतारना पड़ेगा, नहीं तो किसी भी हाल हमारा साथ संबंध नहीं हो पाएगा। दुबो महाराज जी का अवस्था कैसा हो सकता, हम जब हमारा जो ये कहना है कि बद्ध अवस्था में इनडायरेक्ट भजन हो सकता बट डायरेक्ट भजन नहीं, इनडायरेक्ट भजन हम लाए और गुरु जी अर्पण कर दिया, मेरा भी थोड़ा हो गया। गौ माता अपने आप जाके, गौ माता दूध नहीं दे सकती, तो गौ माता का दूध कर लिया, लाके कृष्ण को भोग लगा दिया, तो गौ माता का सेवा थोड़ा हुआ इनडायरेक्ट से। तो ऐसा सेवा में आपका कोई डर का बात नहीं, सेवा आपका चलेगा, लेकिन जब डायरेक्ट सेवा करना चाहो, ऐसा डिजर्टेंट मत हो जाए, हृदय टूट ना जाए कि महाराज ऐसा बोला सेवा नहीं हुआ, ऐसा नहीं, हम हृदय तोड़ने के लिए बात नहीं बोला, हम भजन का रहस्यों को खोलने के लिए, आपका भजन हो रहा है करो ऐसे ही करो, लेकिन मेरा एक विनती है अपराध मत करो, अपराध करो तो पीछे चला जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो ध्रुव महाराज जी का विश्वनाथ चक्रवर्ती बात जी ने बताए, ध्रुव महाराज जी का सिद्धि होना ये तो स्वाभाविक बात है, क्यों, गुरु जी नारद जी हैं,
गुरु जी का आदेश पाल के मलन मंत्रों का ही तो सिद्धि होता है। सिद्धि किस बात का होता है? गुरु जी जो मंत्रों दे मंत्रों का सिद्धि हो जाता है, वो मंत्रों स्वरूप धारण करके हमारे सामने प्रकट हो जाता है। देख हम ये है मंत्रों जो है मंत्रों अपना स्वरूप पकड़ कर प्रकट हो जाते हैं सामने, तभी मंत्रों का सिद्धि हुआ है माना जाएगा। नहीं तो जिंदगी भर जप करते रहो, जप करते काम गायत्री काम बीज करते रहो लेकिन सिद्धि नहीं हुआ। टेंशन मत रखो, मठ कोई नहीं चलाता है, ठाकुर जी गुरु जी ऐसा चिंता का फ्री हो जाओ। हाँ जो कुछ भी हो बस कोई टेंशन मत रखो, गोली मारो अपने आप ठाकुर जी चलाए। तुम सब भजन करो आनंद के साथ, हरिनाम करो, हरिकथा सुनो हर वक्त, ऐसा पावर आ जाएगा, कोई चिंता नहीं। तो क्या हुआ ऐसे ध्रुव महाराज जी का सिद्धि का सबसे बात बड़ा बात है समुत्कंठा। इतना समुत्कंठा उत्कंठे के द्वारा ठाकुर जी भागे आता है। ठाकुर जी का नियम है जिसका हृदय में उत्कंठा ज्यादा है, यहां तक कि गोस्वामी जी लिखा है जीव गोस्वामी जो भक्तों का उत्कंठा को वृद्धि करने के लिए ठाकुर जी कभी कभी चुटकी दे देते हैं मजा। कभी ऐसा सपने में आकर चुप्त दर्शन करके छुप जाते हैं, जैसे नारद जी को दर्शन दिया था, नारद जी को झलक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दर्शन देकर भाग गया। क्यों? वो साधकों का उत्कंठा को बढ़ाने के लिए। कितना सारे घटना परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज के जिंदगी में हुआ है, परम पूज्य बामन गोस्वामी महाराज के जीवन में, परम पूज्य भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के, इन सभी का जिंदगी पढ़ो देखो, पढ़ के देखो क्या है वो एक एक जिंदगी का एक एक समय क्या क्या हुआ था। अभी तो हिंसा है, ये क्यों आएगा वो क्यों? हमारा गुरुजी बोलने का तो हिम्मत ही नहीं। हम तो गुरुचरण क्या सेवा किया, जो भी है तो परिचय देना ही पड़ेगा। तो गुरुजी जब 99 साल तब पुरुषोत्तम धाम में बैठ के बोल रहे है, बाबा ये परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज का जीवनी जो है वो निकाला है, मेरा पास लाना हम पड़ेगा। छोटा गुरु आई, बाबा जल्दी उधर जाते हो, उधर जाके परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज का जीवनी निकाला है वो लाना जरूर हम पड़ेगा। गुरु भाई है वो भी परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज हिसाब से मेरा गुरु जी से बहुत बात आया, श्रीधर गोस्वामी महाराज माधव गोस्वामी महाराज बहुत बात लेट, लेकिन उसमें होता क्या, ये तो नित्यो पार्षद है, आगे आए पढ़े आए पर केशव गोस्वामी आ गया है थोड़ा, तो इसमें आता जाता क्या है, तो नित्यो पार्षद है। लेकिन विचार ये है देखो गुरु भाई में कितना प्रीति, बोले उनका जीवन ही लाना हम पड़ेगा, अरे खुद सिद्ध महात्मा है, इसमें शिक्षा दिया वैष्णव का जीवन चरित्र को पाठ करो। देखो भजन में सिद्धि चाहते हो उठपटंग मत पाठ करो, पाठ करोगे तो उल्टा बुद्धि आ जाएगा। गीता का भी गौड़ीय व्याख्या पढ़ो, या तो कोई गीता का वास्तव कोई प्रवचन है अनुभव लब्ध हो उसका पाठ करो सुनो। हरिनाम का टाइम में हरि कथा थोड़ा चला दो, ऐसा नियम है, नियम तो है हरिनाम का टाइम में हरि नाम जो है हरिनाम का चिंतन करना हरि का रूप, लेकिन तो आएगा नहीं तुम्हारा मन तो इधर, उससे तो अच्छा है हरि कथा चला दो। हरिनाम का टाइम में हरि का रूप का चिंतन गुण लीला करना चाहिए, ये हम जानता है यही नियम है, लेकिन कम से कम तो मान इधर उधर ना भागे, इसे सुबह में उठकर छोटा करके चला दो और हरिनाम शुरू करो, कथा को सुनते रहो, तो कम से कम तो मन स्थिर होके वो कथा को सुनते रहो तो अटेंशन रहेगा थोड़ा, धीरे धीरे मन वशीभूत हो जाए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बताया ध्रुव महाराज का जो ट्रिमेंडस एफिनिटी, ध्रुव महाराज जी का जो समुत्कंठा, ये ध्रुव महाराज जी का सामने ठाकुर जी को खींच के लाया, समझा मेरा बात, खींच के लाया। गंभीरा मंदिर में भजन करती हुए कितना महात्मा का हम नाम ले, गंभीरा मंदिर में भजन करते हुए कितना महात्मा का हम नाम ले, उसका सिद्धि हुआ है और उत्कंठा करके कितना महात्मा का नाम ले, बहुत महात्मा, रसिक महान विद्याभूषण जी भी पूरा डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर था MBBS, और एक चक्रा धाम में नित्यानंद बाबू का धाम में आविर्भाव हुआ और ठाकुर जी का आदेश से आविर्भाव हुआ, ऐसा सुंदर महात्मा, इतना ज्ञान भक्ति।
उन्होंने अंतिम समय में गंभीरा मंदिर में बैठते बैठते पूरा रात भजन करते थे, पूरा रात। और भजन करते करते महाराज कभी कभी ऐसा हो जाता, ये गौरांग आ गया, अभी आ गया, लगता है आ गया, नाम करते करते छलांग लगे बोले गौरांग आ गया शायद, ऐसा लगता। ऐसा भी होता जैसे कि लगता कोई आया है लेकिन दर्शन नहीं दे रहा है, गुप्त रूप में सामने आया है, ऐसा भी कई बार हुआ है। बहुत महात्मा का जीवन में ऐसा हुआ है, जैसे कि ठाकुर जी आया दर्शन नहीं दे रहा है, पीछे से कुछ कर रहा है, देख रहा है ऐसा। तो समुत्कंठा जो है बड़ा भारी चीज है, समुत्कंठा अगर जीवन में सिद्ध हो जाए भजन में, तो ये समझ लो कि इसी जन्म में आपका भगवत प्राप्ति होना ही है, होना ही है। आशाबंधो समुत्कंठ, आशाबंधो का मतलब क्या है? आशाबंधो मतलब ये आशा को लॉकिंग कर दिया, नॉट, एक तो गिट्ठू लगा दिया, हमारा आशा जो है एकदम बंद के रह गया, आशाबंधो एकदम पकड़ के निश्चय करके बैठे, निश्चयात्विका भक्ति। और उसके बाद क्या होगा? आशा बंधु समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, नाम गान में सदा रुचि, ये कोई मामूली बात नहीं, ये तो बड़ा उच्चा कोटि का जो संत महात्मा है लोगों का जीवन में सिद्ध होता है। नाम गाने सदा रुचि, बाहर में अगर तबीयत खराब है थोड़ा, लेकिन अंतर में हर वक्त संकीर्तन चलते रहता है, संकीर्तन हरिनाम हर वक्त। गुरु जी को देखा, अब बहुत बहुत महात्मा असुस्थ का लीला करता है और तबीयत ठीक नहीं, उस समय में आप अंदर में हर वक्त चलता ही रहता है नामगान, ऐसा करके हुआ था। और एक वाइटल क्वेश्चन है जिसका बारे में आपका डाउट हुआ शायद सुबह में, जिसका बारे में हम बताना चाह कि पृथु महाराज जी का आविर्भाव हुआ, बेन का दो जो हाथ इसको मंथन कर, अब आपका डाउट हो गया, इट्स इम्पॉसिबल, बोलोगे ना, बोलोगे तो ये इस बात को काटने के लिए हम ये नहीं तो हमारा बोलने का दरकार, वृंदावन में बोलने का दरकार ही नहीं, इधर बोलने का दरकार है, सब छोटा छोटा सब है, उल्टा पाल्टा विचार करें। द्रौपदी का आविर्भाव कहाँ से हुआ? धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों का आविर्भाव कहाँ से हुआ? हम अगर पूछे कहाँ से, आगुन से हुआ, आंख से प्रज्वलित, तो यज्ञ का अग्नि जल रहा था, उसमें से द्रौपदी देवी और धृष्टद्युम्न भाई दोनों आविर्भाव हुआ। आप अगर बोलोगे ये संभव नहीं, क्या किया जाए, आविर्भाव तो हुआ। और बाकी बात ये है कैसे हुआ, ये तो तुम्हारा मापिक नहीं है, तुम्हारा मापिक जो शरीर है रक्त मांसों का छोटा फोटा ओ मैया का कोख से, ये तो ठाकुर जी भी स्वयं लीला करता है, मैया का कोख से आविर्भाव लेने का बहाना बनाता है, देवकी का गर्व से आया है बोल के तो शास्त्र ऐसा तो लोग बोलता है, लेकिन देखो आविर्भाव का प्रसंग आएगा तो कैसा आविर्भाव हुआ, भले वासुदेव जी ने देखा एक बड़ा तेज लाइट आ रहा है, तेज आके वसुदेव जी का शरीर में समा गया, आप वसुदेव जी का शरीर से फिर वो तेज कहां चला गया, देवकी मैया का शरीर, और देवकी मैया का गर्भ जैसे लगता है जैसे लीला करता है ऐसा। उसके बाद क्या हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव का प्रसंग आए, उधर लिखा हुआ है चतुर्भुज पकड़कर ठाकुर जी आविर्भाव लिखा हुआ है, अब कहां गर्भ से आया है बोलो। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का बारे में देखो लिखा हुआ है चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत में, वहां भी सेम केस, पहले एक ज्योति आके जगन्नाथ मिश्र के शरीर में समा गई, उसके बाद वो ज्योति जो है सोची मैया का शरीर में समाहित हो, उसके बाद लगता है कि सोची मैया ने सोची मैया का संतान होगा, ये तो कहने का बात है। लेकिन ठाकुर जी का आविर्भाव कोई ऐसा साधारण मामूली आविर्भाव नहीं, जन्म कर्म च मे दिव्यम जो मे व्यक्ति तत्व तो त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नहीं थी महामिति
सो अर्जुन, हे अर्जुन हमारा दिव्य दिव्य धातु मतलब वह आश्चर्य जैसा अपराकित ये बोलना ठीक है। दिव्य धातु का तो ऐसे बहुत सारे माने आता है, उज्ज्वलता और सारे माने आता है, लेकिन इसमें ये माने समझो कि इसमें जो ठाकुर जी का जो ये जो है दिव्य अर्थात ट्रांसेंडेंटल अप्राकृत ऐसा जो आविर्भाव है, ये आविर्भाव का बारे में जिसका हृदय में कोई संदेह संशय नहीं रह जाता है, जिसका हृदय में पूरा विश्वास हो जाता है ये ठाकुर जी का लिए सभी। कैसे नृसिंहदेव खंबा से प्रकट हो गया, अब तो दो दिन बाद आएगा प्रसंग, नृसिंहदेव जी खंबा से प्रकट हो गया, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि खंबा है नृसिंहदेव का माता जी, ये हुआ खंबा से प्रकट भये तो इसका मतलब तो ये नहीं कि खंबा जी है, खंबा जी है नृसिंहदेव का मैया, खंबा मैया ये तो हो नहीं सकता, संभव नहीं। ये कहने का बात है, ये तो ठाकुर जी लीला करते हैं जो भी है। अच्छा इसमें एक बात मैं कहना चाहूं, इधर जो बेन राजा का ये दो बाहु मंथन करके कैसे आया, सृष्टि का आदि में मेरा बहुत डिटेल्स डिस्कशन करना चाहिए था, बट टाइम इज लिमिटेड, समय इतना कम है, हमको बहुत शर्म लगता है, दो दिन बाद गोवर्धन पूजा हम कैसे क्या करें, एक एक चीज का डिस्कशन करो, लोगों का अंदर में संशय संदेह को हटाना चाहो तो उसमें विचार होना चाहिए डिटेल्स, अब नहीं हो तो उसका अंदर में कथा सुनने के महाराज ये बता के यूबी को भी होता है बोलेगा ना। तो पृथ्वी महाराज का आविर्भाव अर्ची देवी लक्ष्मी का अंश में अर्ची देवी, और ठाकुर जी का विष्णु अंश में पृथ्वी महाराज का आविर्भाव। हमने ये बात पहले उठाया था, अपेक्षिक रिलेटिव चीज को उठाया था ना बहुत पहले, रिलेटिव शरीर छोड़ने का बाद किसी किसी आदमी का कैसे कैसे कौन कौन जाएगा, शरीर छूटने के बाद आत्मा आत्मा चला जाता है, चंद्र लोग जाता है, कोई सूर्य लोग जाता है, कोई स्वर्ग लोग जाता है। अब आगा कोई आगे कोई आदमी बोले महाराज सूर्य लोग में जाए कि पागल हो, सूर्य तो ग्लोइंग अवस्था एकदम जलते हुए कितना टेम्परेचर है कोई वैज्ञानिक लोग माप नहीं कर सकता, उसमें कैसे जाए लोग, सूर्य लोग भी है बोले हाँ हम बोले हैं है, सूर्य लोग में लोग जाता है और कैसे जाता है, अगर कोई पूछे कैसे जाता है किस क्या उत्तर दोगे। हम तो ये बात पहले ही उठाया था, जो सारे जो दुनिया में जो वस्तु है ऑल रिलेटिव सब अपेक्षी, जितना सारे वस्तु आपका आंखों के सामने दिखाई पड़ता है सारे रिलेटिव है, ये बात को पहले समझो, बुद्धि नहीं है तो क्या करें हम, रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब आपका इधर आपका टेम्परेचर अगर आगे 40 डिग्री हो जाए और ये बाप रे क्या गर्म शुरू कर दोगे ना, लेकिन ये 40 डिग्री टेम्परेचर राजस्थान का आदमी के लिए कुछ नहीं, वो बोला अभी तो ठंडी है कुछ नहीं, समझा मेरा बात, 40 डिग्रीज में उसका बाद कुछ नहीं है, जब 48 फेट जाएगा तो वो सोचेगा। तो ये 48 डिग्री टेम्परेचर इसका लिए और 40 डिग्री आपका लिए डेंजरस है। जो आदमी माइनस 20 डिग्री में रहता है ये सब पागल है, 20 डिग्री माइनस 20 डिग्री में रहता है तो वो आके इधर कैसे रहा, एडाप्टेशन किया ना, अभ्यास किया, करते करते ठाकुर जी का कृपा से हो गया। और हमारा कहना है वायवीय शरीर जोलियो शरीर माने पानी से बना हुआ, कई किस्म का शरीर होता है तो आपको पता नहीं। अब सूरज में जो रहे उधर का टेम्परेचर अगर उसका लिए कुछ नहीं है, सूरज का टेम्परेचर उसका लिए अगर नॉर्मल है तो उसमें वो रह नहीं सकेगा, तो अपारेंट है सब अपेक्षिक है। अगर वो टेम्परेचर उसके लिए कुछ भी नहीं तो सूरज युगलों में जो लोग जाता है तो हो सकता है उसका तेजोमय शरीर, मेरा बात समझा, जो सूर्य ग्रह में जाएगा उसका शरीर भी तेजोमय आंख का जैसा शरीर वो उसमें जाके उधर रहे, उसमें कोई कमी नहीं, वो हो सकता, इसमें कोई चिंता का कोई बात ही नहीं, इसमें कोई डाउट छोड़ दो। तो ये जो है अग्नि से आविर्भाव, जो दक्ष प्रजापति का बात जो कहा
वो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है। अब आप बोलोगे पागलपंती है, मानस से कोई सृष्टि होता है? बोलेगा नहीं, ए बच्चा किसका है समझो। क्यों आते हो भाई कथा सुनने में? आए तो चुपचाप आओ, नहीं तो ना आओ। क्या बोलता था, क्या बोला अभी? मानस पुत्र, जो ब्रह्मा जी का कई मानस पुत्र हुआ। ब्रह्मा जी का शरीर से एक कौर जो है, कौर हाथ, हाथ से क्रोतु का जन्म हुआ, करात क्रोतु। मानस जन्म हुआ दक्ष प्रजापति का, और गोदी से जन्म हुआ नारद जी का, ये गोदी से। अब बोलेंगे ये भी कोई संभव है? हाँ संभव है, क्यों नहीं संभव है, क्यों नहीं संभव है बताओ। ये आपका जो रिलेटिव ज्ञान है, इसको बाजी लगाकर अप्राकृत विषय में इफ यू ट्राई टू कंप्रिहेंड, एकदम बोका बन जाओ, और जाना पड़ेगा आपको, ये छोड़ के विश्वास नहीं होगा। हर हालत में संभव है, क्यों नहीं है? तो ये भागवत जी महापुराण में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो साइंटिस्ट लोगों का बात है वो विचार करने बैठे, हम एक एक करके सब खंडन करते हैं, वो बोल नहीं पाएगा कुछ, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपका विश्वास का बाहर जा सकता है। हर हालत में संभव। तो जो है इधर बात है कि अभी पृथ्वी महाराज जी का आविर्भाव हुआ। पृथ्वी महाराज जी का आविर्भाव कैसे हुआ? भले बेन का हस्त, दो हस्त मंथन करके, दो जुगल विष्णु अंश में पृथ्वी महाराज और लक्ष्मी अंश में अर्ची देवी का आविर्भाव है। अब इस अवस्था में सारे संत महात्मा जो है, जिसको दिव्योसुरी बोला जाता है, दिव्योसुरी, दिव्योसुरी मतलब दिव्योसुरी का एक एक माने क्या होता है, एक शब्दों में क्या माता है, जो भूत भविष्यत वर्तमान तीनों काल को देख सकता है। तुम्हारे लिए संभव नहीं, भविष्यत में क्या, हमारे ऐसा करो मारा जो हुआ का हुआ, लेकिन जो भूत भविष्यत और वर्तमान तीनों को समान इक्वली दे कैन सी, समान रूप से देख सकता है। भूत पहले क्या हुआ था, वर्तमान में क्या हुआ, उसका नतीजा क्या है, फ्यूचर क्या है, सारे क्लियर। ये जो अवस्था है दिव्योसुरी, और ठाकुर जी का ऊपर इन लोगों का विश्वास जरूर है, नहीं तो दिव्योसुरी होना संभव नहीं। दिव्योसुरी का मतलब यह है, इसका ऋग्वेद का मंत्र बताया था पहले, तद विष्णु परमम पदम सदा पश्वंती सूर्यो दिव्यो चक्षुरातम। दिव्यो मतलब आंखें को फार फार कर, आ ठाकुर जी का चरण का सौंदर्य दर्शन कर ठाकुर जी। ऐसे ही जो महात्मा लोग सही ढंग से नाम करता है ना, सही ढंग से, जो ये महात्मा अभी सिद्धि नहीं हुआ, अगर वो महात्मा लोग ठीक से नाम भी करता है तो कम से कम नाम को ठीक से, तो वो भी विष्णु का नित्य जो चरण है साक्षात दिखाई पड़ता है, नाम करते करते दिखाई पड़ता है विष्णु चरण पूरा गौरांग ऐसे खड़ा है पूरा तेजोमय। ऐसे तो गायत्री का नियम है, जब गायत्री करोगे, सीक्रेट चीज है, आपको बताया कि नहीं, हम जानते नहीं। गायत्री का समय में सूर्य मंडल, गायत्री का व्याख्या तो हम इधर नहीं कर सकते कि हम बहुत सारे बाहर का आदमी है, नियम नहीं, एक शब्द कह दे तो गायत्री शब्दों का बहुत सारे व्याख्या है, उसमें अंतिम में प्रचोदयात बोल के शब्द है, दैट इज द वाइटल एक तो शब्द है। अगर हमारा ये मंत्र ठीक हुआ, हमारा शुद्धता, हमारा प्यूरिटी, मेंटल प्यूरिटी एंड फिजिकल प्यूरिटी अगर ठीक हुआ, तो मंत्र थोड़े समय में काम देना शुरू कर देगा। और मंत्र का जो अर्थ है उसका माने क्या, वो जो सूर्य मंडल है, सूर्य मंडल में ध्येय वस्तु को ध्यान करे करते करते क्या होता है, उसका मंत्र का पूरा माने है। लेकिन बाजार में किताब लेके पढ़ोगे कुछ नहीं होगा, अनुभव में नहीं आए। जब कोई गुरु वैष्णव अपना भजन के द्वारा आपको बोले महाराज इसका माने ये, ऐसा भजन करो तो होगा। तो इसमें सूर्य मंडल जो मोल्टेन गोल्ड, जब सूर्य उदित होता है ना कैसा लगता है, जैसे कच्चा सोना, उसी अवस्था। ऐसा तो नियम है ब्रह्म गायत्री ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, नियम है। आप अगर 8 बजे करो तो सुबह 9 बजे करो तो हमारा कोई जुमा नहीं, ऐसा नियम है। नियम ऐसा है कि ब्रह्म गायत्री का जप जो है
और ब्रह्म मूर्ति मुहूर्त में करना चाहिए। यहां तक कि साक्षात कृष्ण द्वारका में रहते हुए जहां भी रहे, द्वारका में कृष्ण का जीवन यात्रा उसमें क्लियर लिखा है। ब्रह्म मुहूर्त में उठा, थोड़ा नहा धोया हुआ, आचमन किया, और ठाकुर जी स्वयं है, कृष्ण स्वयं मानस किसका ध्यान कर रहे हैं, साक्षात कृष्ण वो लिखा हुआ है कृष्ण के जीवन में। तो कृष्ण सुबह में ऐसा बैठ गया, बैठ के ब्रह्मगाती का जप किया, उसके बाद साधु संतों का सेवा जो कुछ भी है, सेवा होम आदि सब करके दान पुण्य सब कुछ, कृष्ण की जिंदगी देख लेना, कृष्ण लाइफ हिस्ट्री और प्राकृत। तो जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण गायत्री मंत्रों को जप करने के लिए बैठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, आ तुम कौन हो, तुम क्यों नहीं कर रहे, करना चाहिए। तो इसका ये जो कच्चा सोना जैसा उदित है, आशी चैतन्य महाप्रभु का शरीर का जो वरण है वो भी कांचा सोना को धिक्कार करता है। राधा रानी का जो शरीर का वरण है वही तो गौरंग महाप्रभु का, और तो कुछ नहीं है। राधा रानी का जो वरण है उसी को चूड़ा के लाए, चोर तो ऐसे ही है कृष्ण, वो श्रीअंग का जो वरण है उसको चुरा के लाए। अब जब लाए हैं तो उसी का माफी, राधा रानी का रंग या कोई आर्टिस्ट है कोई कोई कलर मिलेगा, कोई कलर कंपोजिशन ऐसा कोई है, कोई इंजीनियर है कलर दिखा देगा राधा रानी का शरीर का, वो संभव नहीं है, अप्राकृत है। ऐसा है कि जिसको दर्शन दे वो बिना किसी को संभव नहीं, इसमें तर्क नहीं चलेगा। अप्राकृत विषय में तर्क वस्तु तर्क जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं चलता, इसमें नहीं चलेगा। और ये गायत्री के समय में अगर आपका लिए संभव है तो वो जो गौरंग महाप्रभु सूर्य मंडल में अवस्थित है ऐसा करके बुला रहे जीव सबको, ऐसा कर देखा धामेश्वर महादेव का ऐसा गौर का ऐसा बुला रहे सब, और सोने जैसा रंग, सूरज का रंग का संग जैसे ऑलमोस्ट लगता है, दिखाई नहीं पड़ता, मिल गया अंदर में, ऐसा रूप का ध्यान करो तो ये टॉप मोस्ट ध्यान है। ये बोलना नहीं चाहिए था, हम बोल दिया, चलो टॉप मोस्ट ध्यान। अगर गायत्री मंत्र जब करने के टाइम ये ध्यान हुआ तो सोचो कि आपका जिंदगी भी पूरा सक्सेसफुल हो जाए, होनी चाहिए। जो भी है अभी जैसे हम वायवीय शरीर है, जलीय शरीर है और तेजोमय शरीर है, ऐसा सारे बताया, सारे संभव है। अभी साइंटिस्ट लोग कुछ दिन पहले बोला था चंद्रमा में जीव रहना संभव नहीं, अब आप बोल रहे हैं तो हर हालत में संभव है, कैसे बोल रहे हैं, अब देखी जाएगी ठाकुर जी का जो कृपा है। अभी पृथ्वी महाराज जी का आविर्भाव हुआ, पृथ्वी महाराज जी साक्षात विष्णु अंश में, और इसका स्तुति करना शुरू कर दिया कौन, ऋषि मुनियों ने। पृथ्वी महाराज ने पूछा महाराज आप स्तुति किस बात का कर रहे हो, हम तो अभी आविर्भाव हुआ, स्तुति किस बात, तो हमको जानते तक भी नहीं हो, आप स्तुति करना शुरू कर दिया, कैसे कर दिया। तो ऋषि मुनियों ने बोला महाराज अब अभी आविर्भाव हुआ, लेकिन हमारा हम लोगों को पता है आप कौन है। अच्छा पता है, बोला हाँ आपका चरण चिन्ह हाथ का जो चिन्ह है उसमें सारे पक्का है, आप विष्णु अंश में आविर्भाव हुए हो, आपका क्रियाक्रम फ्यूचर एक्शन और वर्त क्या हो सब हमारे सामने क्लियर, क्योंकि दिव्य सूर्य है, दिव्य सूर्यों के सामने तो कोई छुपा हुआ रहता नहीं, पूरा क्लियर है, वो सारे देख के बताता है ये महाराज पृथ्वी महाराज ये करेगा ये करेगा ये करेगा। अरे बाप रे बाप, सप्तद्वीप का अधिपति पृथ्वी महाराज है, देखने में क्या है, देखोगे तो पागल हो जाओ, ऐसा रूप ऐसा गुण। और ओरछी महारानी वो तो देवी अहले लोक्ष अंश में नित्य पति पत्नी पितु महाराज की का सामने प्रजा सब आके प्रार्थना किए महाराज हमारा वो जो वृत्ति जो है उसका स्थापन करो, क्योंकि ये बेन 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 ने बड़ा अत्याचार किया, सारे तोड़ फोड़ कर दिया, कोई नियम निष्ठा ने कुछ नहीं है, हम कैसे खाए पिए जिए, उसका कोई जीवन यात्रा को कुछ व्यवस्था में लाओ। और ऐसा है कि पृथ्वी देवी भी बड़ा गुस्सा हो गई, क्या कुछ देती नहीं है, धान चाल जब गांव कुछ दे नहीं रही। पितु महाराज ने सुना, बहुत सारे डिटेल्स हम तो संक्षेप कह रहे हैं कि उपाय नहीं,
तो उसका बाद पृथ्वी महाराज बोले ठीक है चलो हम देख रहे हैं क्या किया जाए। पृथ्वी का उत्पत्ति का बाद अभिषेक हुआ, अभिषेक इम्पॉसिबल, पृथ्वी का उत्पत्ति का क्यों आते हैं कोई इंटरेस्ट नहीं। पृथ्वी का उत्पत्ति का बाद, पृथ्वी महाराज जी का उत्पत्ति का बाद ऋषि मुनियों ने उसका अभिषेक किए, सब कुछ हो गया। और ब्रह्म वचन तस्याभिषेक आरब्ध ब्राह्मणैर ब्रह्मवादिभिः अभिषेच अभिषेच निकान्यासा आजरहु सर्वतो जनः, चारों ओर से सब आए हुए हैं पृथ्वी महाराज का जो अभिषेक देखने के लिए मनाने के लिए बड़ा भरी। अब अभी मंगल होने वाला है, सारे वरुण जी ये दिया, चंद्रमा ये दिया, सारे एक एक करके उपहार देने के, पृथ्वी महाराज जी साक्षात भगवान है, चलो हो गया। इसके बाद जो है बड़ा नित्य गीत हुआ, आनंद हुआ। इसके बाद पूजा लोग पूजा सब पूजा लोग सब प्रार्थना किए पृथ्वी महाराज जी को, जे राजन ऐसा व्यवस्था करो हमारा जो वृत्ति है, वृत्ति का कोई ठिकाना नहीं है, उल्टा पलटा हो गया, आप समाधान करो। अब पृथ्वी देवी का भी क्या हो गई, कुछ दे नहीं रहे, जब धान चाल कुछ क्या हुआ। तो पृथ्वी महाराज बोले ठीक है अपना जाओ हम देख रहे हैं, बोल के धनु लेके पृथ्वी देव को मारने गया, तुमका मार डालेंगे। पृथ्वी देव थर थर कांप उठे, वह महाराज अब क्षमा करो हमारा गलती क्या है, बोल तुम क्यों नहीं दे रही हो, सब छुपा के रखियो, तुम्हारा जो औषधि है धान चाल गांव, पर हम कैसे दे, इतना अत्याचार है फैल गया चारों ओर और अधर्म फैल गया, उसका तो व्यवस्था करो। अधर्म का भार जो है, वेट जो है, उस पृथ्वी देवी किसी भी हालत से सहन नहीं कर सकती। ऐसे भी पृथ्वी माता तो ऐसा है, पृथ्वी देवी का परिक्रमा करो तो हो जाता, पृथ्वी देवी का परिक्रमा करो बहुत पृथ्वी देवी के पर, जैसे गणपति देवता और कार्तिक, तो मैया ने बोली दोनों को जा पृथ्वी परिक्रमा करके आ जा, कार्तिक ने भूखा, कार्तिक भूखा है पूरा पृथ्वी को घूमने के लिए मयूर के ऊपर बैठ के घूमने शुरू किया, और गणपति देवता ने किया माता दुर्गा को टुक करके घूम के सामने बैठ गया गोदी में, हो गए वो कार्तिक आया, बोले हमने तो घूम के, वो तो चूहा के ऊपर बैठ के कैसे आया होगा, चूहा का तो वो तो बुद्धि है, वो पृथ्वी में वो जो दुर्गा मैया है उसको परिक्रमा करने, पृथ्वी का परिक्रमा हो जाए, कार्तिक का बुद्धि नहीं है तो घूमने गया, हो गया। ऐसा नियम है, माता जो है खेती का प्रतीक, माता जो है, माता अगर सत माता है तो उसका बारे में हम बता, तो माता है खेती देवी का, पृथ्वी देवी का प्रतीक जो भी है सब, लेकिन जो भी हो भगवान का लिए क्या है। पृथ्वी महाराज ने पूरा गुस्से में आकर तीर धनुष लेकर आया, हम तुमको मार डालेंगे, बोले महाराज हम तो ऐसे स्त्री जाती, हमको मारोगे कैसे, अब कृपा करो हम, हाँ बोले चले निकालो सब क्यों नहीं दे रहे हो, बोले ऐसा करे कि पूरा अत्याचार फैल गया इसलिए मेरा दुख हुआ, हम अत्याचार में क्या करें, हम छुपा लिए, वह हम देंगे वादा किया, लेकिन आपको दोहन करना पड़ेगा। दोहन जानते हो, जैसे आप बैठे हुए जैसे मेरे को दोहन करोगे उतना ही हरिकथा निकलेगा, नहीं तो होगा नहीं, समझा मेरा बात। मैंने देखा सब श्रोता लोग बड़ा, जैसा ऊंचा किस्म का श्रोता बैठेगा उतना ही हमारा अंत से निकल, नहीं तो कुछ निकलेगा ना, वो ऐसे बोलते रहेंगे, नियम है ऐसे, बनावटी बात नहीं है। हाँ गोवर्धन में बैठ के श्रोता कम है, बस किसी के दिखावा नहीं है, आग कम अभी कथा चल रहा ठाकुर जी का कथा है इसमें तो कोई। अब इधर जो है दोनों लेके जब गया पृथ्वी देवी राजी हुआ, तो ठीक है हम देंगे, आपको दोहन करना पड़े तो धरती देवी को ये पृथ्वी महाराज ने दोहन किया। दोहन का ही बड़ा बहुत दर्शन है, कैसे दोहन क्या बोलते हो, दोहन किसको बोलता है, दोहन ये तो मोटा माने, लेकिन सूक्ष्म माने जो है तो उसका अंदर में जो कुछ भी है उसको स्नेहो देके उससे कारने का कोशिश करो। जैसे गो माता, आप दूध कारने जाओ तो आपको 2 किलो देती है, और ग्वारिया ऐसा इतना चालू है वही गो माता से 4 किलो ले लेंगे, क्योंकि 2 किलो दूध है छुपा के रखती है अपना बच्चा के लिए।
तो वही वो माता है आपका सामने 2 केजी दे, और वो इतना टेक्निक जानता है, वो चालाकी करके 4 केजी दो ले। तो ऐसा ही दोहन का मतलब है, जो दोहन का मतलब है जो कुछ भी है छुपा हुआ ये मातृ देवी और भर्तृ देवी, इससे दोहन कर लो, दोहन करना। तो जैसे गीता में आता है ना, दुग्धा गोपाल नंदन, आ दुग्ध जो है गीता अमृत जो है, गीता उपनिषद दुग्ध है, और दुग्धा है गोपाल नंदन, और पीने वाला बछड़ा कौन है? सुधीर वत्स। कौन है? पार्थ सुधीर वत्स। कोई नहीं पढ़ा, सब मोज मार के बैठा हुआ है। कोई पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा, सब ऐसे ही बैठा हुआ है संसार में। अब आया भागवत कथा सुन क्या क्या समझे? तो ये जो है, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण दुग्धा है, गीता जो है, हैं? ये जो है ऐसा इधर भी है, ऋषि मुनियों को लेकर दोहन किया, ऋषि मुनियों को पात्र बनाया, दोहन किया, तो उसमें से सारे मंत्रों आदि जो है ऋग वेद सब वेदों का सब आ गया। समझा मेरा बात? ऐसा करके एक एक जो जो हिंगोत्सव पानी है उनका लिए जो जो अन्न है उसका भी अन्न का दोहन किया। वो अन्न क्या है? उसका अन्न रक्त मांस जो आपका है वही उसका खाना है। जो गवादी पशु जो है उसका लिए दोहन किया गया, उसका लिए क्या घास फूस जो है वो खाते हैं, वो दोहन किया। ऐसा करके जितना सारे दोहन का वस्तु है, मतलब जिसके द्वारा पृथ्वी का जो समृद्धि, सारे दोहन किया। किसने? पिथु महाराज ने। इसके बाद पिथु महाराज जी का रथ का चाका, पिथु महाराज कितना तगड़ा है, साक्षात विष्णु है। पिथु महाराज जी का रथ का चाका के तरह खात हो गया, उसमें 7 समुद्रों, ये सब किसी का विश्वास नहीं हो सकता है। हाँ, तुम्हारा मापी की तो है छोटा मोटा और क्या है। तो ऐसा करके पृथ्वी पृथु गो दहन करके अभी निकाला, सब निकाला। पृथु महाराज जी पृथ्वी देवी को दोहन करते करते सारे निकाला, जो हमारा जीवन जिंदगी में हर वक्त काम में आने वाला, हर वक्त हमारा काम में आने वाला जितना सारे है वो सारे चीज को दोहन कर लिया। इसके बाद पृथ्वी देवी स्तुति की सुंदर, नमो परस्मै पुरुषाय मायाया न्यस्त नाना तनवे गुणात्मने, नमः स्वरूपानुभवे न निर्धूत दुर्ब क्रियाकार को विभ्रमोर्मय। सुंदर, नमो परस्मै पुरुषाय मायाया विन्नस्तो नाना तनवे गुणात्मने। भले ठाकुर जी पृथ्वी गोयलेन ये माया देवी का द्वारा नाना शरीर का रचना हुआ, ये जितना शरीर का निर्माण हुआ है किसके द्वारा हुआ है? और तो खीति, हम तो सांख्य तत्व में बताया था, खीति अपो तेज मरुद्भव, तुम्हारा बॉडी को एनालिसिस करो उसमें यही निकले, खीति अपो तेज मरुद्भव, ये 5 एलिमेंट निकले। 5 एलिमेंट का अनुमार जो खीति बोलते हो उसमें बहुत सारे है, जितना सारे एलिमेंट केमिस्ट्री में सब निकले बॉडी में। तो खीति अपो तेज मरुद्भव, पृथ्वी देवी कह रहे हैं जैसे ठाकुर जी जितना सारे शरीर है, चाहे मोटा हो पतला हो जो कुछ भी, हाथी है घोड़ा है, सभी तो सबका अंदर में आप प्रविष्ट हो, तभी तो सभी ये जगत है। जगत का जो वैल्यू है, ये जो जगत सब इतना सब काम किया, कारण किस लिए वैल्यू है, क्या कारण है, इसका भी ये कारण क्या है? उपनिषद इसका उत्तर दी, आत्मा बा आरे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो निधिध्यासितव्यो, आत्मा का संबंध में ही एक दूसरे का प्रीति भाजन होता है। अगर आत्मा नहीं है तो लड़का आपका प्रीति भाजन नहीं हो सकता, स्वामी भी आपका प्रीति भाजन नहीं। एक दूसरे का साथ जो प्रीति संबंध में जुड़ा हुआ है, एक दूसरे का साथ जो नफरत का संबंध में जुड़ा हुआ है, सब इसी का पीछे एक ही कारण, द ओनली रीजन क्या है, उसका अंदर में आत्मा है।
उसका अंदर में आत्मा है, इसीलिए ही ऐसा है। अगर आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कौन किसका साथ लड़ाई करे, क्या करे, बोलो फायदा क्या है? कोई तो लड़ाई नहीं करेगा। आत्मा है तभी ना आता है। आत्मा है, आत्मा का साथ परमात्मा है, परमात्मा बद्ध दशा में ये सोचता है कि हमें अलग आदमी है, तुम सत्य हो, तुम अलग आदमी हो, एक दूसरे का साथ संबंध हो, लड़ाई और संबंध हो जाता है। समझा मेरा बात? तो आत्मा व आर्य द्रष्टव्य श्रोतव्य निधि ध्यक्ष, आत्मा का संबंध में ही आत्मा एक दूसरे का प्रतिभाजन होता है, द्रष्टव्य देखता भी है, सुनता भी है, प्रतिभाजन होता, सब एक ही कारण है। जो आत्म वस्तु अगर नहीं है तो कोई किसी को पूछेगा नहीं, पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा। तो ऐसा जो है पृथ्वी, बोले ठाकुर जी ऐसा है, कितना प्राणी का रूप बनाकर, ठाकुर जी प्राणी का रूप बनाकर है, सब आत्मा ही उसका अंदर में है। और जैसे शास्त्रकारों ने उदाहरण दिया, ये छोटा सा काट का टुकड़ा है, छोटा सा, उसको आग लगा दो, उसमें छोटा सा आग दिखेगा, आग कैसा दिखेगा, छोटा सा। और एक बड़ा वस्तु में इतना बड़ा जगह आग लग गया, वही आग है, ये बड़ा दिखता है, इतना बड़ा आग लग गया, वही आग तो है, इधर बड़ा दिख रहा है। ऐसे ही भले पृथ्वी देवी कह रहे कि अलग अलग सा जो तोनू रचना करके गुणोमय रूप में प्रतीति होते हैं, आप ही तो है और क्या है, कोई तमगुण है, रजगुण है, सब अपना अपना स्वरूप को भूलकर फंसे हुए, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अन्य व्यतिरिका व्याम जत सात सर्वोत्त सर्वदा, वही तो है और क्या। और जो आपका स्वरूप अनुभव हेतु द्रव्य क्रिया कारक अहंकार तन्निमित्त राग देश ये सब चीजों से मुक्त होकर हम वो परम पुरुष को नमस्कार करें। पृथ्वी देवी का बहुत सारे स्तुति है, उसमें एक स्तुति हम बता दिया। और धेनु रूपा पृथ्वी का दोहन कर्मों का बारे में हम बता दिया है। बता दिया ऐसे ऐसे दोहन क्रिया हुआ, उसका बाद सब। अब पृथ्वी महाराज जी का जाग जोगो जो है, जो धार्मिक है ना, ठाकुर जी स्वयं है, उस तब की जमाने में तो जाग जोगो ही प्रधान था है, जाग जोगो आदि को सिवा तो चलेगा ही नहीं। और उस समय में पृथ्वी महाराज ने बड़ा भारी जाग जोगो का आयोजन किए। उसी जाग जोगो में क्या हुआ, इंद्र जी का बड़ा डर हो गया, बोले महाराज इतना पावरफुल है विष्णु अंश, कई ऐसा ना हो कि मेरा गुद्दी को छीन ले। गुद्दी का डर सबको ही का है, गुद्दी का डर जो है वो सबको ही का है, हमको गुद्दी चाहिए, बस गुद्दी चाहिए ना, सारे पॉलिटिकल लीडर है, कुछ भी है, सबका मूल है लोगों को बोका बनाकर गुद्दी में चढ़ जाओ, बस एक ही काम है। और इंद्र महाराज जी का भी महाराज ये चिंता है, हमारा गुद्दी ना छीन जाए महाराज, हम स्वर्ग का राजा है, कितना सुविधाएं हैं, अब तो छीन जाए तो मुश्किल है, तो बड़ा भारी चिंता हुआ। जो इंद्रो का नाम है शतक्रतु, जितना इंद्रो का नाम है शतक्रतु, 100 जो यज्ञ किया है इंद्र महाराज ने किया, और पृथु महाराज ने बड़ा भारी यज्ञ शुरू कर दिया। पृथु महाराज ने बोला हम भी 100 यज्ञ करेंगे, हम भी 100 जो यज्ञ करेंगे। 100 यज्ञ करने के लिए तैयार हुआ, और अश्वमेध यज्ञ 100 एकमात्र इंद्र छोड़ के कोई नहीं किया, आज तक रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ। ईश्वर अश्वमेध यज्ञ राम जी भी किए, राम जी अश्वमेध यज्ञ 100 छोड़ दिया। लौकुश जो है वो अश्वमेध घोड़ा को पकड़ लिया, फिर लड़ाई शुरू किया, बच्चा बच्चा दो लौकुश, बड़ा कहानी है सुंदर। ये जो अश्वमेध यज्ञ है, 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए निश्चय लिया, कौन, पितु महाराज, कौन सी बड़ा बात है, साक्षात सप्तदीप अधिपति है, साक्षात भगवान ही है, भगवान का अंश है ना। तो उन्होंने सबसे, लेकिन इंद्रो का बड़ा भारी ईर्ष्या हुआ, बोले ये तो बंद करना चाहिए, बंद करनी चाहिए, हम तो करने नहीं देंगे। बोल के क्या किया, जोगो का जो घोड़े है घोड़े को चुरा के ले गया,
अरे बार बार ऐसा करे। उत्तरी ऋषि यज्ञ स्थल में उपस्थित थे, उत्तरा लेके गया लेके गया लेके गया, घोड़ा लेके जा रहे इंद्रो, अब पीछा किया वह भाग गया। ऐसा कई बार किया, जितने बार यज्ञ का व्यवस्था की उतने बार इंद्र आके उठपटांग शुरू किया। यज्ञ का सचुरी करे, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे, ऐसे यज्ञ को पंड कर दे, विनाश कर दे। यज्ञ पूरा हो नहीं पा रहा है। ऐसा अवस्था में जितना बार इंद्र का पीछे भगा पकड़ने के लिए, पितु महाराज जी का जो पुत्र है भगा उसको पकड़ने के लिए, अंतिम में उसका नाम है अंतोध्यान विद्या दिया, अंतोध्यान विद्या इंद्रो ने उसको दिया बाद में। तो जितना बार बदमाशी करके भाग रहा है वो जब उसको पकड़ने के लिए जा रहा है वो क्या एक एक मूर्ति पकड़कर दूसरे जगह भाग जाता है, पकड़ नहीं पाए। अंतिम में क्या हुआ, पितु महाराज जी में गुस्से में आकर रहे, हमारा यज्ञ में बाधा डालने वाला ठाकुर जी का सेवा हो रहा है, यज्ञ में बाधा डालने वाला, बोले एक काम करो, ऐसा यज्ञ करो आहुति दो इंद्रो सहित आग में आ जाए, इंद्रो का लाके ये हमारा हवन जो है इसमें फेंक दो बोला। और जब मंत्र शुरू किया तो इंद्र आना शुरू कर दिया और आके ठाकुर जी बोले देखो क्या दरकार है, इंद्रो को मारोगे क्यों, इंद्र क्षमा मांगता है तुम्हारा पास, इंद्र क्षमा मांगा, क्षमा मांगा, बोले क्षमा मांगा है तो क्षमा कर दो और इंद्रो को मरना नहीं चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी तो इंद्र पिंद जो है कहां से आया, विचार किया ना हमने, तो इंद्रो को क्षमा कर दिया, इंद्रो अंतोध्यान विद्या जो है वो सिखा दिया, अंतोध्यान विद्या सिखा दिया किसको, ऋषि महाराज जो पृथ्वी महाराज का जो लड़का है उसको सिखा दिया। ऐसा बहुत सारे बेस बनाया था, पाखंडी का बेस, बहुत सारे रक्त बेस बनाया था, जैसे तांत्रिक आदि का बेस ऐसा बना के छुप गया, कभी जटा है, कभी वो जो जो जैन है बुद्धिस्ट भी अलग अलग सा रूप पकड़ के भागा, जैसे कोई हमको पकड़ भागा तो उस रूप पकड़ के छुप गया, और वो सब रूप जो है वास्तविक रूप में इस जगत में आ गया हैं, वो सब रूप। अब इधर है कि यज्ञ नष्ट हो, अब ठाकुर जी ने बोला देखो काहे को पीछे पड़ रहे, तुम्हारा 99 यज्ञ हुआ छोड़ दो, एक यज्ञ कमी हुआ तो तुम्हारा तो यज्ञ करने का कोई कोई उल्टा मकसद तो नहीं है, तुमको तुम्हारा यज्ञ करने का मतलब है श्री भाम को संतुष्ट करना, यही ना है, तुम 100 यज्ञ शतक्रोत है वो इंद्र है, तो तुम तुम्हारा शतयज्ञ करने का क्या मतलब है, तुम हमको संतुष्ट करने, हम ऐसे ही तुम्हारा पास संतुष्ट है छोड़ दो, 99 यज्ञ है छोड़ दो, इंद्रो का रिकॉर्ड ब्रेक करने का दरकार नहीं, 100 यज्ञ है उसका रहने दो, हम तो तुम्हारा पास संतुष्ट है। तो पृथ्वी महाराज जी मान गया, ठीक है ठाकुर जी आप संतुष्ट है तो हम मान गया, ऐसा करके पृथ्वी महाराज जी मान गया। और विष्णु भगवान ने बहुत सारे टुकटा उपदेश दिए सुंदर, और उसके बाद उपदेश दिए, उपदेश देने पर बाद जो हम बताया था आपका यज्ञ क्या उद्देश्य है हमको ये सभी बात है, अब बहुत सारे ठाकुर जी ने बताया। उसके बाद जो है पितु महाराज स्तुति करना शुरू कर दिए, ठाकुर जी दर्शन दिए, दर्शन देने के बाद हम बोले हम संतुष्ट है तुम्हारे ऊपर, 99 यज्ञ हुआ छोड़ दो और दरकार नहीं, और तुम आगे चलो कोई बात नहीं, तुम तो हमारा भक्ति करोगे और क्या काम है तुम्हारा, बोलो ठीक है ठाकुर जी छोड़ दिए। ठाकुर जी ने बहुत उपदेश भी दिए, उसके बाद पृथ्वी महाराज भी ठाकुर जी का उपदेश करना शुरू कर, ठाकुर जी बोलो हमसे वर मांग लो, क्या वर चाहिए, कुछ वर तो ले लो, हम आया है, हम जब आया है तुम्हारा सामने कुछ वर ले लो। और पितु महाराज बोले क्या वर मांगे ठाकुर जी, आप तो दर्शन दिए हो, सबसे बड़ा बात तो आप दर्शन दिए हो, और अगर वर देना चाहते हो तो ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी बताए, न कामये नाथ तदपि अहम कचित न जात्रजुस्मत् चरणाम्बुजा सवः महात्मान्त्र हृदयात् मुखच्युतो
विधत्स करणाय तमे समे वरह न कामये नाथ तदपि अहम कचित न जत्र जुष्मच्चरणाम वयासवः महत्तमांत हृदयात्मुखच्युत विधत्स करणाय तमे समे वरह। ठाकुर जी बरलो बोल के जो चिल्लाते हो तो ऐसा ही हमारा वर है, न कामये नाथ तदपि अहम कचित यत्रो कचित न यत्रो जुष्मच्चरणाम्बुजा सवहा। हम ऐसा वर मांगे कि ठाकुर जी हमको वर तो नहीं चाहिए लेकिन आप बोलते हो तो ठीक है वर मांग लिया। ऐसा करो जहां हमको ऐसा जगह रखो जहां महत्तमांतर हृदयात मुखच्युत विधत्स करना युतमे सवर, ऐसा हमको वर दे दो संत महात्मा का सामने हम रहे और उनके मुखारविंद से जितना हरिकथा निकलते रहे वो हरिकथा को धारण करने के लिए तृप्ति होने के लिए करोड़ों करोड़ों कान दो। विधत्स करना युतमे सवर ऐश में वर, यही मेरा वर रहा कि हमको करोड़ों करोड़ों अयुत कान दे दो, कान से तुम्हारा कथा सुनते रहे, तुम्हारा कीर्तन सुनते रहे, तुम्हारा कथा और कीर्तन सुनते रहे, ऐसा हमारा बोलो। सुनो कितना बड़ा बात है, पितु महाराज बोलते जैसे राधा रानी का बात तो ऐसे ही है ना, हैं कर्ण क्रोर करण मिड़ी घटे करुणा और विभ्यस प्रियम, ये सब बात दशम स्कंद में आएगा। राधा रानी का भी तो ऐसे ही है, बाप रे बाप कहां से आया ऐसा बुद्धि। बोले तुम्हारा हरि कथा तुम्हारा कीर्तन गुणावली सुनने के लिए हमको अजूत कर्ण दे दो, बहुत कान सब कानों से तुम्हारा कथा कथामृत पीयूष पान करते रहे हम, ऐसा व्यवस्था करो। स उत्तम श्लोको महत् मुखच्युत भवत पदाम्बुजो सुधा कथा निलहा स्मृतिम पुनर् विस्मृत तत्व वर्तमान कुयोगिनम नो वितनति अलंबरई। हमको और दूसरे वर का कोई जरूरत है नहीं, क्या चाहे हे उत्तम श्लोक। ठाकुर जी को बोले उत्तम श्लोक, ठाकुर जी को उत्तम श्लोक बोल के पुकार। क्यों ठाकुर जी को उत्तम श्लोक नाम है ना, ठाकुर का नाम क्या है, ठाकुर का एक नाम उत्तम श्लोक। क्यों उत्तम श्लोक नाम किस लिए है, उत्तम श्लोक इसलिए है दो माने हम बता दे। एक माने हैं उद्गतो तमो यस्मात् स उत्तम उत्तम, और इसका बारे में जो श्लोक रचना हुआ है उसका नाम उत्तम श्लोक। और एक माने होता है उत्तमई श्लोकते, और उत्तम अर्थात साधु संतो जिसका नामगान करते हैं जिसका नाम है उसका नाम उत्तम श्लोक। उत्तमई उत्तम मतलब उत्तम किसका नाम, साधु संतो तो उत्तम है, साधु संतों के द्वारा जिसका गीत जो है जिसका गुणावली हर वक्त पिघलते रहते हैं संत महात्मा का मुखारविंद से, इसी का ही नाम है उत्तम श्लोक, उत्तमई श्लोक कहते। तो इधर बताया कि ठाकुर जी उत्तम श्लोक आपका चरणा चरण पद्मों कणामात्र मधुबहन करके जो वायु महत व्यक्ति गणों का मुख मुख मुखारविंद से निर्गत होता है, तहा कुजोगी जो तपस्या भजन दिखाने के लिए बहुत भजन करने के लिए दिखा रहा है दिखावा कुजोगी, अनुगत नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वो कुजोगी है, अनुगत नहीं है कुछ नहीं है। कुजोगी गण जो है उसका भजन सही नहीं है, बहुत दिनों से भजन करा कुजोगी गण पुनराय तत्व ज्ञान कुजोगी गणों का, उसका अगर बुद्धि शुद्धि हो जाए तो उसका भी तत्व ज्ञान आपका जो कथा है मुखारा बिंदु से साधु गुरु वैष्णव का हुआ अगर सही हुआ, क्योंकि कुजोगी कौन है, चैतन्य महापो कितना कुजोगी को मंगल किया, क्या मायावादी लोग कुजोगी नहीं है, मायावादी है ना वाराणसी में, कितना मायावादी है, मायावादी से कुजोगी है, कुजोगी को चैतन्य महापो कृपा करके तत्व ज्ञान उपदेश किया ना, ऐसा कितना चीज हुआ हम देखा आंखों का सामने, देवी का भजन करता है तांत्रिक लाल कपड़ा एक दफे गौड़िया मठ में आया बहुत दिन पहले, आज नहीं 40-50 साल पहले का आके अचानक घुसा, घुसे के ठाकुर दंडवत किया,
ऐसा करके काली जी को भजन करता है। उसके बाद बोला महाराज कुछ प्रसाद मिलेगा, तो महाराज बोला जो भी हो प्रसाद तो सुबह को देना चाहिए। हाँ मिलेगा प्रसाद, बैठो। प्रसाद पिलाया, प्रसाद खिलाया, पानी दिया, सब कुछ दिया। और फिर उसके बाद बातों बातों में थोड़ा सा कथा का चैतन्य महाप्रभु का एक्सचेंज हुआ, चर्चा हुआ। वो देवी जी का बात उठाए वो, आ थोड़ा चैतन्य महाप्रभु का दो चार बात सुनते ही उसका मन में धक्का लग गया। वो बोले महाराज हम तो उल्टा रास्ता में गया, देवी का भजन करके क्या करें हम, भजन तो करना है तो यही का भजन करना है, चैतन्य महाप्रभु ये जो साक्षात कृष्ण है। अब बोले महाराज हमको मठ में रहने का जगह मिलेगा, बोले जरूर मिलेगा रहो, और रहना शुरू कर दिया। और लाल कपूर उतारो, ऐसा नहीं बोला, ठीक है लाल कपूर है अपने आप उतर जाएगा, लाल कपूर सादा होगा, सादा कपूर पीले पीला होगा वो तो बाद में होगा, और अभी वो सेंटिमेंट है ना, तो बाद में हरिकथा कीर्तन सुनते सुनते बस इतना बड़ा साधु हुआ कि उसके वो बड़ा आचार्य बना था ऋषिकेश महाराज बोल के एक है, आप जानते नहीं हो, वृंदावन में उसका पाठ है। तो ऐसा ही है, कई घटना ऐसा हुआ कि अपना जो मत जो है चेंज कर दिया, पूरा पूरा चेंज करके सर्वम वर्चस्व जो का बात सुनो, वो तो कुजोगी है, ताहे दुनिया का सारे शास्त्रों उसका मुखस्थ है, मुखस्थ है ना, तो होता क्या, एक बुद्ध भक्ति जिसका अंदर में है उसका कीमत जो है उससे उससे ज्यादा है ना, क्योंकि शास्त्रों का डायरेक्ट रियलाइजेशन इज नॉट देयर इन हिज हार्ट, उसका हृदय में तो शास्त्रों का अनुभव नहीं है, अगर अनुभव होता तो मायावादी भजन नहीं करते। वो सर्वम भट्टाचार्य का क्या हालत किया, सर्वम भट्टाचार्य जो स्वयं बोल रहे हैं कि हम लोहे का पिंड, लोहे का बल, लोहे का पत्थर नहीं है, लोहे ऐसा जो हम है, तुम चैतन्य महाप्रभु को बोला तुम इतना प्रचंड प्रताप हो, पृथ्वी जय करना कोई बात नहीं, हमको जय कर दिया तुमने, हमको पिघल दिया, हमारा हृदय एकदम विगलित होके आपका चरण में रमन कर रहा है, अभी हमारा हृदय विगलित हो गया, बोल गया आपका आपका चरण में जा रहा है, हमारा मन गति हृदय का गति नॉन स्टॉप आपका चरण में जा, निरवच्छिन्न गति, जो कपिल जी महाराज माता जी को बताए थे, गंगाम्ब सोमद गंगा का जो पानी है, गंगा देवी का पानी जैसे समुन्द्र का ओर जाती रहती, ऐसा तो ठाकुर जी ऐसा ही है, कुयोगी का भी दिमाग को बदल दे ऐसा आपका। और अगर ब्रह्मविद है, ब्रह्मो का भजन करता है, तो उसका भी कहना क्या, इसका लिए भी है, आत्मा रामो ओपी क्या करता है, आत्माराम जो है वो भी ठाकुर जी का भजन करने के लिए, आत्माराम जो है वो भी घूम के ठाकुर जी का चरण में जाते, इसका कई उदाहरण है। सुखदेव गोस्वामी स्वयं आत्मारामश्च मुनयो निर्गंथ्या उपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि, हरि का इतना गुणावली है, इतना गुणावली, इतना रूप है, तो आपका सामने प्रकट नहीं होता, इसलिए आपको विश्वास नहीं होता। तो ये आत्माराम जो है, आत्माराम जोगी ज्ञानी को खींच के लाते, पकड़ के लाए, अपना चरण में दास बना दिया, अपना चरण का दास बना दिया, ऐसा ही। तो सौ उत्तम श्लोको महत मुखच्युत भवत पदाम्बोज सुधा कणा नीलह, सुधा कणा अनिल तमने सुधा कणा नील, श्रुतिम पुनर्विश्रित तत्ववत्मान कुयोगिनाम नो वितनति अलंबरे। तो हमारा जो है पिथु महाराज कह रहे कि यार अमा हम हमारा बर का क्या जरूरत है, बर से क्या करे, आप दर्शन दिए हो इतना कृपा के मेरे ऊपर आप संतुष्ट हो, अब कुछ दरकार नहीं, आप संतुष्ट हैं, आप कुछ बात नहीं, हमको बर का कोई जरूरी है नहीं, ऐसा करके ठाकुर जी का पास से यही बर मंगा, तुम्हारा अनंत कथा अमृतो जो समुन्द्र है उसमें जो कथा का पान करने के लिए मेरे को विधत्स करना युतो एशमेव रहा, यही मेरा वर रहा। इसके बाद
पिथु महाराज प्रजागणों को उपदेश दिया बहुत सारे, तुम लोगों को कैसे चलना सही है, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, सब बारे में उपदेश दिए। अचानक ठाकुर जी महाराज जिसका ऊपर संतुष्ट है उसका ऊपर स्वाभाविक तमाम दुनिया संतुष्ट हो जाए, विदेशी लोग नहीं होगा। तो इस समय क्या हुआ, पृथ्वी जी महाराज देख रहे हैं कि अचानक आसमान से कौन आ रहा है, चतुस्सन। हाँ, पृथु महाराज प्रति चतुस्सन का उपदेश, चतुस्सन ये सिद्ध महात्मा गण जखन ये जो है आया और आके पृथु महाराज जी को, पृथु महाराज जी संबोधन करके अर्चन वंदन करके बैठाया, भले और प्रार्थना किया। आप पृथु महाराज ने बताया, देखो आप जैसा ऊंचे महात्मा लोग जो है इसका दर्शन तो ऐसे होते नहीं है, बड़ा अहोभाग्य से ऐसा दर्शन मिलते हैं, और बोलो कृपा करके थोड़ा प्रश्न है, प्रश्न भी किए इधर थोड़ा। और उसके बाद सनत कुमार अभी उसको उपदेश देना शुरू किए, दो चार सुंदर उपदेश हम बताएंगे इस बारे। और इधर जो है उपदेश दिया, उपदेश देने का बाद बहुत सारे उपदेश इसमें स्वाग, इसमें पहले बताते हैं पितु महाराज कह रहे हैं कि स्वागतम वो द्विजो श्रेष्ठा यद व्रतानी मुमुक्षवः चरन्ति श्रद्धया धीरा बाल एव बृहन्ति वै। देखने में बच्चा है ना, देखने में तो बच्चा है। स्वागतम वो बोला, बोले महाराज ये द्विजो श्रेष्ठो आप लोग जो आगमन किया है, सुख से आगमन किया, अपना सुख बड़ा आनंद से आगमन हुआ ना आपका सुख। और मुमुक्षुगण जो सब व्रत आचरण करता है, आप लोग बचपन से ही जब से जन्म हुआ वो सब महाव्रतो आचरण करते करते आज तक ऐसे ही बच्चा होके, बच्चा है ना, जगह ब्रह्मा जी का साप लगा तो ब्रह्मा जी ने बोला संसार करो, बोले हम लोग संसार नहीं करेंगे, जब संसार नहीं करेंगे विचार क्या, बोलो तो फिर हमारा बात सुनेंगे ना, तो ऐसे ही रह जाओ, बड़े नहीं होंगे। बोले ठीक है, 5 साल का बच्चा बन के रह गया। कितना जुग जुग से वही 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा ही है, अभी उम्र बाहरी दृष्टि में बड़ा नहीं, कुछ नहीं हुआ, 5 साल का ही बच्चा रह गया। तो 5 साल का बच्चा रहे तो क्या है हम लोग, तो बोले आप लोग तो व्रत आचरण करते रहते हो और जो है ये जो भवत्सु कुशल प्रश्नो आत्म रामेशु नेश्यते कुशला कुशला यत्रो न संति मतिर्वित्तयो। आप लोग सो आत्मा राम है कि तो आत्मा में रमन करता है। एक्चुअली ये जो चतुस्सन है, चतुस्सन आत्माराम ब्रह्मो में विचरण करने वाले थे। जब ब्रह्मा जी का पास ठाकुर जी का बारे में कुछ सुना तो उसका इतना अट्रैक्शन हुआ, आकर्षण हुआ, वो हम बोला ना आत्माराम है, आत्मारामोश्य मुनय निर्ग्रंथा उरुख में व्याख्या की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या की, बोले जब ब्रह्मा जी का प्रवचन सुन के, कथा सुन के ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए इच्छा भये तो वैकुंठ में गए, और वैकुंठ में जाके जब बातों बातों में सांप दिया, बहुत सारे कहानियां बता दिया छोटा, उसके बाद जो नारायण साक्षात लक्ष्मी देवी को लेके पधारे गेट पे, तो उसका जो चरण कमल में जो मकरंद है अर्थात मधु अर्थात केसर चंदन तुलसी दल पुष्प सौगंधित इतर जितना सारे उसका महक जो है का नाकों में आया, अनाकों में आने का संदर्भ विवश हो गया, ऐसा साक्षात ठाकुर जी का चरण का वो जो अर्पित
तुलसी दल आदि सारी उसका जो गंध है, सुगंध है नाकों में, यहाँ चकार तेषाम संक्षोभम अक्षरमोपी अक्षरजूसमोपी अक्षरजूफामोपी अक्षर ने एकाक्षर ब्रह्म का आराधन करते और उसका अंदर में खोब खोबित किया। ठाकुर जी से मिलने के लिए, ठाकुर जी का रूप दर्शन कर लिए, खोबित कर दिया। ऐसा ठाकुर जी का गुणावली है जो आत्मा राम को भी खींच के लाए और चरण का दास दासी बना दे। गोपियों ने बताया ना, गोपियों ने क्या बताया, गोपी गोपी गीता में आया नहीं, सुंदर आता है असुल को दासी का, असुल को दासी का ना, हम तो हम सब तुम्हारा असुल को दासी है। और भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मरामीश ने क्षति कुशला कुशला यत्रो न संति मती वित्तयो। और आप लोग तो आत्माराम है हर वक्त, या कुशल अथवा अकुशल ऐसा भेद बुद्धि तो आपको नहीं है क्योंकि हर वक्त एक ही अवस्था है, आत्माराम है। तो आप लोगों का जो कुशल प्रश्न करना कैसे हो क्या हो ये भी उचित नहीं है, ऐसा भी उचित नहीं है। हमारा परम पूज्य कृष्णदास बाबा जी महाराज से हर वक्त संकीर्तन, हर वक्त नाम अर्चन देखे हैं आप। कृष्णदास बाबा जी महाराज जो नंदगांव में जो अंतिम में शरीर छोड़े पावन सरोवर में है, कृष्णदास बाबा जी महाराज हर वक्त संकीर्तन, वो सोते नहीं थे, सोना गुरुवर को सोते थे और हर वक्त संकीर्तन। कृष्णदास बाबा जी महाराज का अंतिम समय में, हम अंतिम समय का बात करें, कोई भी अगर जाए महाराज जी को, क्योंकि वो सनातन गोसाई जी का भजन कुटीर है, वो जो जगह है जहां हम लोग जाते हैं भजन करते हैं, वहां वो पावन सरोवर का तीर, पावन सरोवर का किनारे, पावन सरोवर का बिल्कुल किनारे, और वहां कृष्णदास बाबा जी भजन करते थे, पावन सरोवर को देखते थे। और भजन करते करते कृष्ण गोचारण से वापस आ रहा है जा रहा है सब दर्शन करता था सिद्ध महात्मा। और भजन करने समय कोई अगर भजन करते हैं, कोई आदमी दर्शन के लिए आए तो संत महात्मा तो बात करे, आया है ठीक है। कोई अगर महाराज को बोले महाराज आपका तबीयत कैसा है, ऐसा करके प्रश्न किया, अगर प्रश्न किया तो शरीर कैसा चल रहा है आजकल, अब महाराज बोले जाओ तो जाओ, जाओ शरीर का बात पूछे तो बोले जाओ। अगर कोई आए तो आके चुपचाप दंडवत किया और चुपचाप माथा नीचू करके बैठ गया कुछ हो, तो महाराज बोले कहो और थोड़ा आपको उपदेश सुनने के लिए आया, थोड़ा उपदेश करो आप अगर कीर्तन थोड़ा, तो महाराज बोले बोसो बैठो बैठो, अगर हरि कथा बोलो अगर तत्व तो जिज्ञासा करो तो महाराज बोले बैठो 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 बैठो, अगर बोलो शरीर कैसा है महाराज आज का क्या खाए हो कैसे क्या चलता है रोसी कौन करता है, जाओ 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 तो जाओ समय नहीं जाओ भगा देते। ये सब मेटेरियल बातें। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के जिंदगी में ऐसा बड़ा भारी मजा करते थे, किसी को अगर धोखा देना है तो इसी को धोखा दे, ठाकुर जी का वो कृपा नहीं करेंगे बाबा जी महाराज। तो किसी ने आ गया जोर जबरदस्ती बैठ गया भजन में विक्षेप है, तो बाबा जी मैं बोला आजकल आपका उधर जो जमीन का कितना दर दाम जाता है, जमीन कितना कट्ठा ऐसा पूछा, और चाल चाल कैसा मून कैसा मून केजी कितना चल रहा है, ऐसा करके मेटेरियल बातें बोल के उसको वंचित कर दे। वाह वाह। और जिस गौर बाबा जी महाराज जानते थे जो अगर आए, दृष्टि है अंतर्दृष्टि, वो जानता है ये बड़ा आदमी वो भजन करेगा, तो आने का बाद बात बोले बैठो बैठो। जैसे जगदीश प्रभु जो भक्ति प्रतिपतित्व महाराज बात, एक तरबूज लेके गया, किसी का बात बाबा जी में कुछ नहीं, जाओ 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 कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, किसी से कुछ नहीं लेने का मतलब है घाटा जाना, किसी से कुछ लेने का मतलब घाटा जाएगा हमसे काटेगा समझा, इसलिए लेता नहीं है। और महाराज जी क्या की, महाराज जी बोले तरबूज लाए ठीक रखो भाई भूख लगाए, उसके बाद बैठाया, बैठ के बोला कहाँ से आ रहे हो, बोले बोला भक्ति विनोद ठाकुर का उधर आया है, बिमला प्रसाद भेज दिया, आओ बैठो बैठो बैठो, एक तो कीर्तन सुनाओ प्रभु, कीर्तन सुनाया, कीर्तन सुनाया, कीर्तन सुन के महाराज इतना प्रसन्न हुआ, तो आपका दिखा हुआ हरिनाम हुआ, महाराज अभी तो हुआ नहीं दिखा,
कैसे बोल रहे हो आपका दिक्खा नहीं हुआ, देखो कितना सूक्ष्म बात है। बाबा जी मारे महाराज हमारा तो दिक्खा अभी तक नहीं, कैसे बोल रहे हो आपका दिक्खा नहीं हुआ। आप आ रहे हो अंतर्दीप से, अंतर्दीप माने आत्मनिवेदन क्षेत्र, वो भी आ रहे हैं विमला प्रसाद के पास से, और भक्तिविनोद ठाकुर का अपना आदमी हो, आत्म भक्तिविनोद ठाकुर आपकी कृपा किए तो आपका तो दिक्कत हो ही गया, अब जाओ दिक्कत हो जाएगा अभी। और मस्तक पे हाथ देके बोला तुम्हारा वैराग्य सिद्ध हो जाए, जाओ तुम्हारा वैराग्य सिद्ध हो जाए। महाराज जिसको अगर खुशी हो के संत महात्मा कृपा कर दे तो उसको तो हो गया तुरंत, तुम्हारा वैराग्य सिद्ध हो जाए, जाओ बोल के आशीर्वाद कर दिया, वैराग्य सिद्ध हो गया। वो भक्तिपद तीर्थ महाराज फॉरेन जाके कितना प्रचार किया, बड़ा मास्टर था, हेड मास्टर था कोई स्कूल का, इतना प्रचार किया फॉरेन में जाके, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो इन फॉरेन कंट्री, अमेरिका में गया उधर जाके प्रचार किया। उफ ये सब महात्मा लोगों का जिंदगी पाठ करो, कुछ चीज जानने का जरूरत नहीं, ज्यादा फायदा ये सब खूब संत महात्मा का जिंदगी जो है उसको पाठ करो, हृदय विनम्र हो जाएगा, नरम, कहां हम है कहां वो लोग है, विचार बनेगा ना। ऐसा करते करते आपका मंगल कुशल क्या पूछे ये तो उचित भी नहीं है, ऐसा करते करते और फिर उसके बाद पूछे भगवान आप लोग जैसा है जो दिव्य पुरुष अहो भाग्य से वो हम जैसा बद्ध जीवों के सामने प्रकट होता है आते हैं ना, साधारण तो नहीं होता। ऐसा करके वंदना किए, उसके बाद सनत कुमार ने बोलना शुरू कर दिए। सनत कुमार ने बताए कि देखो साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूत हितात्मनः भवता विदुषा चापी स्वाधुनाम मतिरिदृशी। आपने जो प्रश्न किया है कौन सी प्रश्न किया है, बोले ये आत्मदर्शी पुरुषगण, पुरुषगण आत्मा वही भगवान उन लोगों का हृदय में विचरण करता है ना, संत महात्मा के हृदय में कौन विचरण करता है, साक्षात भगवान विचरण करता है, विचरण करता है। और बोला जे साधु पृष्ठम आपने जो तुम जो सर्वभूत है, सर्वभूत सर्वभूत मतलब सारे जो भूतोग्राम है सबका मंगल के लिए आप राजगद्दी पे बैठे हुए, ऐसे तो राजा बनकर बैठे हुए लेकिन सबका आप मंगल विधान करते हो। और तुम्हारा न्याय जो इतना ऊंचा व्यक्ति है, इन लोगों का तो ऐसे सुंदर प्रश्न होता है हम लोगों के लिए, हम लोगों को खेम मंगल के लिए क्या करना चाहिए चरम, ये सब आप तो वास्तव में अज्ञान में नहीं हो। संगम इधर बोला साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूत सर्वभूत हिते रतहा, आप तो राजा बन के बैठे हुए हो लेकिन सर्वभूत का जो मंगल है उसे कर, सर्वभूत का कैसे मंगल होए ऐसे चिंता है, ऐसी इसी चिंता में पड़े हुए हो। ऐसे तो राजा कभी धार्मिक नहीं बन सकता, बोले क्या राजा धार्मिक नहीं बन सकता, राजा का धार्मिक होना मुश्किल है क्योंकि एक राजा जो है प्रजा जो काम करेगा क्रियाकर्म उसका छह भाग का एक भाग छोटा हिस्सा 1/6 राजा का ऊपर जाएगा। कोई भी प्रजा कोई घटिया काम करे अन्याय करे उसका लिए 1/6 एक षष्ठांश राजा को बच जाता है, इसलिए विचार करो तो कोई भी राजा धार्मिक नहीं रह सकता, संभव नहीं। एक तो पृथ्वी महाराज है, एक हमने देखा युधिष्ठिर महाराज आदि, फिर भी युधिष्ठिर महाराज जब बाद में बोलना शुरू कर दिया, जब अर्जुन द्वारका से लौटने का टाइम द्वारका से युधिष्ठिर महाराज बोल रहे नहीं हमारा राज्य में तो ऐसा नहीं था, हमारा राज्य में तो ऐसा कैसे हो गया, सब लोगों में झूठा बोलने का जो जो इच्छा है ऐसा पैदा हो क्या है, एक दूसरे का साथ शत्रुता कर रहा है। युधिष्ठिर महाराज खुद बोला जब जब द्वापर युग जा रहा है ना उसी समय तो ऐसा है, तो युधिष्ठिर महाराज ठीक बोला, युधिष्ठिर महाराज बोले हमारा जिंदगी में तो ऐसा होना नहीं चाहिए, हमारा राज्य में ये सब एक दूसरे के साथ
कपटता शठता शुरू कर दिया, मतलब हमको लगता है अभी द्वापर का अवसान ही होगा। ठीक है, तो कि राजा जो है, राजा धार्मिक होना मुश्किल है, क्योंकि एक प्रजा ना दूसरा प्रजा कुछ ना कुछ तो घटिया कम करे, हा राजा को ऊपर जाता है। और संसार में अगर स्त्री अगर व्यभिचार दोष करे, सबका दोष स्वामी का ऊपर जाए, जन के स्वामी को भुगतना पड़ेगा। नाबालक व्यक्ति बच्चा जो कुछ करे पिता माता को संभालना पड़ेगा, नियम है ऐसा। जो भी है अभी देखो, भवता विदुषा चापी स्वाधुना मतिर दृषि, आप जैसा इतना उच्चा कोटि का आदमी हो आप राजा, आपका तो ऐसा ही बुद्धि होना चाहिए। देखो कितना सुंदर बुद्धि, कैसे हमारा मंगल हो ना हो। संगमः खोलु साधुनाम उभये स्वान च सन्मतः सत्सम्यासनो संप्रश्न सर्वेशाम वितुनति सम। संगमः खोलु, निश्चित रूप से जान लो किसी वास्तव साधु का साथ आपका भेंट हो जाए। संगमः खोलु साधुनाम उभयेषाम च सन्मतः, दोनों का ही मंगल, क्योंकि जो साधु है वो बोलते रहता है ठाकुर जी का कथा, वो सुनते रहता है। अरे जो प्रसंग है सारे दुनिया के लिए रह जाते हैं, जैसे परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव को प्रश्न किया ना, लेकिन जो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न रह गया ना। आप प्रश्न रह गया इसलिए तो आप भागवत सुन रहे हो, हा ना कुछ नहीं बोल रहे। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया तभी तो भागवत का प्रवचन हुआ। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्नों के द्वारा भी मंगल ही मंगल होता है, मंगल छोड़ के अमंगल नहीं होता ना, मंगल ही मंगल बस और कुछ नहीं। संगमः खुलु साधुनाम उभय स्वांच सन्मतः सत्संभाषणो संप्रश्नो, सत्संभाषण होता है संप्रश्नो, सम्मक प्रश्नो जो है तत्व प्रश्न होता है संप्रश्न, सर्वेशाम वितनुति सम, सम मतलब मंगल। ये जो संप्रश्न है और प्रश्न उत्तर है, सर्वेशाम वितनुति सम, वितनुति मतलब तनौती मतलब विस्तरती, विस्तर विस्तार करना, इसके द्वारा मंगल का विस्तार होते रहते हैं, चारोर मंगल ही मंगल। और अस्त्येव राजन भवत मधुद्दिश पदारविंद गुणानुवादने रतिर दुरापा विदुनोति नष्टि की कामम कषायम मलम अंतरात्मनः। हे राजन, मधुसूदन जो हरि है, ठाकुर जी का नाम एक नाम मधु भी है, क्योंकि हर वक्त मधु निकालता है। ठाकुर जी का नाम है, ठाकुर जी का धाम है, ठाकुर जी का चिंतन है, सबसे मधु निकालता है। अब मधुराष्टकम है ना, गमनम मधुरम चलनम सब कुछ है ना, बदनम मधुरम मधुराधिपत्य अखिलम मधुरम, ठाकुर जी का एक नाम है, वेद में नाम है, वेद में ठाकुर जी का एक नाम दिया गया, मधु मधु ओम ओम मधु ओम मधु मधु है मधु ठाकुर जी का मधु। और वो मधु दिश भक्त ठाकुर जी का ये जो मधु नाम है, और ये मधुसूदन से हरि का पदारविंद गुण कीर्तन कीर्तन में तुम्हारा सुदुर्लभ ऐकांतिक रति विद्वान विद्यमान है, क्योंकि पहले से तो कृपा मंगाना करना यू तो ये समय बरह, तो वो तो वही बोल रहा है। और इसके द्वारा क्या है, अंतरात्मा का ठाकुर जी का हरि कथा कीर्तन के द्वारा वो अगर सुने, वो हृदय का जितना सारे कसमल है कलमस है, कलमा सूरा सफा हो जाता और कुछ बाकी नहीं रह जाता। ऐसा करके बताना शुरू कर दिया। और उसके बाद पितु महाराज का ये जो बहुत सारे प्रसंग है, अभी तो काल हमको पंचम का आज ही शुरू कर दे तो अच्छा है, जाना पड़ेगा पंचम स्कंद, नहीं तो होगा नहीं ना। ऐसा करके स्तुति की सनत कुमार, और सनत कुमार करते करते बाद में बताया सुंदर। यत्पाद पंकजो पलास विलास भक्त्या कर्माशयम् ग्रथितो मद्ग्रथयन्ति संतो तद्वत्न रिक्तमतयो
यतयो ओपि रुद्धस्रतो गणस्तमरम तमरनम भज वासुदेवम यत्पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयम् ग्रथितो मद्ग्रथयन्ति संतो तद्वत्न रिक्तमतयो यतयो ओपि रुद्धो श्रुतो गणस्तमरणम भज वासुदेवम। जिसका पाद पद्मों अंगुली द्वल के कांति, ठाकुर जी का जो चरण कमल का नखरा बिंदु से जो ज्योति निकलते हैं, ठाकुर जी का जो चरण कमल से ज्योति निकालते तेज, ऐसे तो सीधा सुदामा विप्रो का चरित्र जब होगा तब देखोगे किसी का अगर हिम्मत है ठाकुर जी का चरण कमल का ध्यान करे तो संग सम ठाकुर जी अपने को बिक्री कर देता है उसका सामने। लिखा हुआ है स्मरत पद कमलानी आत्मानम ओपी जच्छति, भागवत का स्मरत, अगर आपका ठाकुर जी का चिंतन सही हुआ, स्मरत पद कमलानी आत्मानम ओपी जच्छति, अपने को दे देता है। पुरुषोत्तम धाम नीलाचल में जगन्नाथ मंदिर में जो चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह है, वो चरण चिन्हों का ध्यान करना, नाम करने का टाइम में सुबह मोड़ में फालतू चिंता करना, बात नहीं करना, कम से कम जितना कम से कम 9 बजे तक बात ना करो तो अच्छा है। हम तो सिखाते हैं लेकिन सुनेगा कोई नहीं। सुबह में उठकर बात नहीं करना, सुबह में उठकर जितना देर हो सके मौन रहो, मौन रह के जितना सारे गुरु वैष्णव का याद है सब गुरु वैष्णव का चरण ध्यान करो, ये सब करो, नाम लो, जितना वैष्णव का नाम मुखस्थ है सब नाम लो और दंडवत करो, नींद टूटा तो पहले गुरु जी का चरण का ध्यान करो, गुरु जी का धारण करने के बाद गौरांग का चरण का ध्यान, जो पुरी में है ना चरण चिन्ह उसका ध्यान करो, करके देखो। मैं तो इधर तो करके देखो क्या होता है, देखोगे ऐसा करना। उसके बाद धीरे धीरे उठकर और छवि जो है आपका सामने माता का सामने वो सब गुरु वैष्णव का सब छवि दर्शन करो, सब दंडवत करो, उसके बाद अंतर में कीर्तन करते रहो, नाम करते करते पंचतत्व आदि स्नान आदि करो, शौच कर्म सब करो, बंद मत करो। और सुबह में माँ भी कौवा का माँ भी का एक दूसरे से बात करना शुरू कर दी, हमको तो इतना खराब लगता है। संकीर्तन करो, आरती दर्शन करो, इतना बात क्या है, क्या बात है इतना। कृष्णदास बाबा जी महाराज बोले, कोई अगर आके शिकायत करे महाराज उन्होंने ऐसा करता है, शिकायत किया महाराज बोले इतना बात तुम कहां से मिला तुमको, बात तो एक ही है हरे कृष्ण, एक ही तो बात है। कृष्णदास बाबा जी महाराज के बाद जो भी शिकायत करने आते थे बाबा ऐतो कोथा कोथाई बेले, कोथा तो एकटाई हरे कृष्ण इतना बात तुमको कहां मिला, हमको तो एक ही बात मिला हरे कृष्ण बस। हम लड़ाई झगड़ा धूमधाम क्या है होगा, जितना देर तक हो सके चुपचाप रहो, मौन धरो, जितना देर तक मौन धरो के मौनो का अभ्यास करो। हम तो इधर जो है मौनो नहीं पा रहा, हम ठाकुर व्यासासन में बैठे हो, ये मेरा मौनो नहीं है, ये इच्छा करके चला की जैसे कोई बदमाशी ना कर, मेरा मौनो पर तो जो देखा वो जानता है, ये तो नाटक कर रहे कुछ नहीं, ऐसे मौनो तो नहीं होता, चुपचाप एकदम पत्थर जैसा बैठ के जो देखा देखा है और कई ग्रंथों का पारण चलता है, लेकिन इधर हम नहीं किया, अनुकूल नहीं है, कुछ कारण है करने से भी जो है ऐसा। जत पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथित मुद्ग्रथयन्ति संतो तद्वत् न रिक्त मतयो यतयो ओपी रुद्ध श्रुतो गणस्तमरणम भज वासुदेवम। जिनके ठाकुर जी का चरण कमल को चिंता करने के साथ साथ ही ठाकुर जी अपनों को बिक्री कर देता, तो नखा जब काम गायत्री का जब करे, जब भी काम गायत्री जब जब करे भगवान का चरण का नखरा बिंदु से धीरे धीरे ऊपर उठना, पूरा शरीर का ध्यान करना, तब तो होगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा पूरा जिंदगी। चरणाबिंदु से शुरू करो, पूरा काम गायत्री जब तक ठाकुर जी का पूरा रूप को दर्शन करो, नहीं तो होगा नहीं। या तो राधा रमन का दर्शन करो, अगर मूर्ति का दर्शन तुम्हारा आता है तो तही वही करो, नहीं तो ठाकुर जी तो आएगा नहीं,
मूर्ति का दर्शन करो, राधा रमन का मूर्ति है या तो किस श्याम सुंदर का जिसका, धीरे धीरे दर्शन करो, बाद में आभास में बदल जाए उसके बाद होगा। तो इधर जो है बताया कि देखो ठाकुर जी का चरण नखारविंद जो है उसका तो पदांगुली उसमें ये जो योति निकलते हैं मात्रो साधु पुरुषगण जैसे जैसे सहज सहज कर्म द्वारा ग्रथित सहज जैसे साधु पुरुषगण जैसे सहज कर्म द्वारा उसका भजन का ऐसा कर्म है जिसका हृदय में जैसे हृदय का सारे जो ग्रंथि है उसका काट के फेंक दिया छेदन कर दिया। और विषय लिप्त योगीगण विषय निर्लिप्त योगीगण उसी मुताबिक ऐसे सहज कर्म ग्रंथि छेदन करने में समर्थ होता नहीं। भगवान का साक्षात सेवा और कथा श्रवण इसके द्वारा साधु पुरुषरा साधु पुरुषगण जैसे हृदय से ग्रंथि को छिन्न कर सकता है ऐसा योगीगण का इतना कर्म छेदन कर समत्वना योगी योगी ज्ञानी उतना करे उतना सहज होगा नहीं। अतएव अतएव सबको के लिए ये विनती है वासुदेव का भजन करो, यही उपदेश है सबके लिए, एक ही उपदेश है चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम। क्या उपदेश है? चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम ऐसा करके उपदेश की। अच्छा उसके बाद जो है भिगु महाराज वो जो ये तुम्हारा पृथु महाराज जो है पृथु महाराज का लड़का पृथु महाराज अपना लड़का को सिंहासन में बैठाकर आपने जंगल में चला गया भजन करने वानप्रस्थी लेकर अर्ची देवी भी गई हुई अर्ची देवी भी चले। और पृथु महाराज कैसे शरीर छोड़े पृथु महाराज जब शरीर छोड़े अर्ची देवी भी उसका साथ स्वामी का साथ अपना शरीर को छोड़ दिए। ऐसा करके पृथु महाराज शरीर छोड़ दी अपना लड़का को सिंहासन में बैठा के गए और पृथु पुत्र महाजसा विजितास्व उसका नाम विजितास्व और अंतोध्यान विद्या लाभ किया था अंतोध्यान लाभ करी इसका नाम अंतोध्यान विद्या जो है ये विद्या इंद्रो से प्राप्त हुआ था प्राप्त किया था जो भी है ये जो इसका नाम है विजितास्व इंद्रनिका अंतोध्यान इसका जो लड़का है जो संतान है उसका नाम है पावक पवमान सूची या ये लोग जो है पूर्व में अग्नि का कोई भाग है ना उसमें एक तीन वशिष्ठ साहब के द्वारा ये रूप जन्म हुआ उत्पन्न होके जोगबल के द्वारा पुनराय अग्नित्व प्राप्त हो जाएगा बाद में। और अंतोध्यान जो है जिसका नाम है वो पृथु महाराज का लड़का उसका नाम है क्या विजितास्व उसका नाम अंतोध्यान में अंतोध्यान नवस्वती नामनी कन्या पुत्री का गर्भ में हविर्धन नाम का पुत्र जन्म किया। विजितास्व इंद्रो को अश्व अपहारी जान के पीछे तो इंद्रो ने छोड़ दिया उसके बाद उसका साथ मिटमाट हो और इसका बाद अंतोध्यान विद्या दिया जो भी है उसका हविर्धन पोत के बोल के पुत्र हुआ। और हविर्धन पुत्र महाभागवान बहिर्ष ये क्रियाकांड में बड़ा ऊंचा था बहुत। हविर्धन का पुत्र महाभागवान प्रजापति बहिर्ष कर्म कांड में बड़ा ऊंचा था ये योगे विशेष ऐसा करके बाद में उधर देखोगे जो ये बड़ा भारी योग्य आदि की उसके बाद इसका जो पुत्र है प्राचीन बरही को इन्होंने संसार करने के लिए आदेश किए तो बोले महाराज संसार करने का पहले हम तपस्या करेंगे। तपस्या करने के लिए चले गए पश्चिम दिशा समुन्द्र का अंदर बैठ के बहुत दिन भजन किए उसका पहले तो शिव जी महाराज का कृपा हुआ जिसको रुद्र गीता है ना रुद्र गीता में प्राचीन वर ही
ये जो है ब्रह्मा का आदेश लेके समुद्र कन्या शतद्रुति को विवाह किया और शतद्रुति सुंदरी वाला ये विवाह काल जो भी है इसमें बहुत शुभ है। इसमें इसका भी शतद्रुतिर गर्भे प्राचीन वर ही तुल्य नाम व्रतो 10 पुत्र का जन्म दिया, समुद्र कन्या का शादी किया। वो बहुत सारे घटना तो जिस्ट कर रहा है, खाली संक्षेप कर रहा है, उपाय भी नहीं है। और इसके बाद शतद्रुति जो पत्नी है इनके गर्भ में 10 पुत्र का जन्म दिया, इनके नाम है प्रचेता। प्रचेता गण को पिता आदेश किया तुम संसार करो तुम लोग, तो बोले हम लोग संसार नहीं करेंगे, अभी अभी तपस्या करेंगे। तपस्या करने के लिए चला गया पश्चिम दिशा, वहां जाके जाते जाते एक जलाशय से शंकर जी प्रकट हो गए। डमरू बजाते बजाते सारे एकदम भक्त लोग कीर्तन करता है और शंकर जी जलाशय से प्रकट हो गया। पकड़ होके प्रचेतागण 4-10 जो प्रचेतागण जो 10 है ये इन लोगों को कुछ तत्व ज्ञान का उपदेश किया। तत्व ज्ञान उपदेश बड़ा भारी लंबा चौड़ा, उसका नाम है रुद्र गीता। और रुद्र गीता गीता कई किस्म का है, ये रुद्र गीता के द्वारा रुद्रदेव भगवान प्रचेतागण को आशीर्वाद किया और बोले हमारा ये रुद्र गीता तुमको उपदेश किया, ये रुद्र गीता अगर तुम चर्चा करते रहोगे और इसी को संग इसी को लेके तुम भजन करते रहोगे, इसका गायन करते रहोगे तो तुम्हारा सिद्धि हो जाएगी। ऐसा करते करते वो लोग भजन की रुद्र गीता। जीतम तो आत्मबुद्धिर सस्तये सस्तिरस्तु मे भवता राधसाराध्यम सर्वस्मा आत्मने नमः नमः पंकज नाभायो भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवायो संतायो कूटस्थायो सरोचिसे संकर्षनायो सूक्ष्मायो दुरंतायांतरका दुरंतांतकाय च नमो विश्व प्रबोधायो प्रद्युन्नाय अंतरात्मने नमो नमो अनुरुद्धायो ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसायो पूर्णायो निभृतात्मने। ऐसा करके कूट वाक बहुत सुंदर। सर्गाप वर्गो दारायो सर्गाप वर्गो दारायो नित्यम सुचिस्मदे नमः नमो हिरण्यवर्यायो चातुर्होत्राय तंतवे नमो ऊर्जो ईशे तरिया पतये योग्य रेतसे तृप्तिदायो च जीवानम नमः सर्वरसात्मने। ऐसा करके बहुत लंबा इसका माने भी है बहुत सुंदर। उसके बाद ठाकुर जी का रूप भी वर्णन किया। पद्म कोश पला साक्षम सुंदर भ्रू सुनासिकम सुद्विजम सुकोपलास्यम समोकर्णो विभूषणम। ऐसा करके मुकुट कुंडल ठाकुर जी का पूरा रूप का वर्णन जब भी है। ऐसा करके बाद में एक सुंदर बताया, देखो ये हार हार बना के रखना चाहिए श्लोक। खनार्धे खनार्धना बचेन खनार्धे नापी तुलये न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संग सुमता नाम किमुता से सहा। खनार्धो ये जारा सा भी लवमात्तो साधु संगे सर्व सिद्धि हो, जारा सा भी खन भर के लिए पल भर के लिए अगर साधु संग हुआ वो सर्व सिद्धि का कारण बन जाए। हम सुबह सुबह सायंकालीन और सुबह में हम बताएंगे, उसका टाइम नहीं रहा अभी। जो खनार्धे नापी तुलये जरा सा भी साधु संग हो जाए वो साधु संग का जो रिजल्ट है फल जो है उसका साथ स्वर्गो पुनर्भवो किसी का हम तुलना नहीं कर सकता किसी का। स्वर्गो मिले ब्रह्मा का पद मिले कुछ भी मिले लेकिन साधु संग जो है साधु संग के साथ किसी का तुलना नहीं करना चाहिए। खनार्धेन न पितुलये न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संग समर्त्यानम किमुता आशीषा। इससे बड़ा आशीर्वाद क्या है, सबसे बड़ा है साधु संग। इसका विचार कल सुबह में हम प्रस्तुत करेंगे, आप देखोगे विचार करके कितना बड़ा बात है। लवम आप तो साधु संग सर्व सिद्धि है, इसका उदाहरण देके हम सुबह के टाइम में बताएंगे, आप तो समय नहीं रहा। इसके बाद काल हम चर्चा करेंगे।
काल शायद शाम तक, काल सुबह चेष्टा करे, जल्दी नहीं होता क्या करे, इतना देरी करके कथा शुरू है तो होगा कैसे। पुरंजन का कहानी होगा, पुरंजन का कहानी सुनने से पूरा आपका विवेक खोल जाए। पुरंजन का कहानी बड़ा दिव्य कहानी, वो सब सुनोगे उसका विचार। ये साम स एष दये अनंत सर्वात्मनाश्रित पदम यदि निर्वलीकम ते दुस्तरम मति तरंति च देव माया न ममाहुमीति सौसिगाल भक्षे वांछा कल्प दुर्वश्य के पास इंद्र व्यवचन पतितानं पावन भवेश्वर भ्यो नमः।